ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सो हम लोग पढ़ रहे हैं कैंटो 10 अध्याय 76। घर चलो, घरे ना जाई वो वने प्रवेशी वो, दैट्स व्हाट इज द मैसेज। ओके, 76 चैप्टर का इंटू 10। इस चैप्टर का नाम है शाल्व तथा वृष्णियों के मध्य युद्ध। और मैं क्यों पढ़ रहा हूं अभी बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। सो एक्चुअली दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनीवे पॉइंट ये है कि आई जस्ट टॉक अबाउट इट। पहले हम एक श्लोक पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। सो 76 और 77 पढ़ेंगे हम। सो पॉइंट ये है कि श्री शुक उवाच, अथ अन्यदपि कृष्णस्य श्रीनु कर्मादभुतं नृप क्रीडा नर शरीरस्य यथा सौभपतिर्हतः। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो, जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। मानव शरीर में हिंदी ट्रांसलेशन नहीं, ठीक नहीं है, मानव जैसे शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौपति का वध किया, मैं शाल्व का वध किया। सो आई रीड दिस, शीला प्रभुपाद की जय। पॉइंट यह है कि ऑलमोस्ट भगवान ने तो कई असुरों को मारा है, नहीं मतलब बचपन से बड़े होने तक असुरों को ही मार रहे हैं भगवान। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं और असुरों का वध कर रहे हैं। सो वृंदावन में तो तब भी इतने असुर थे, मथुरा में भी असुर आते थे, स्पेशली जरासंध कालेवन, और द्वारका में भी कई असुरों ने अटैक किया। सब फ्रेंड्स ही थे, एक्चुअली टीम ही थी बदला लेने के लिए। सो कुछ असुर द्वारका में, स्पेशली शिशुपाल था जिसका भगवान ने वध किया, और ये थे शाल्व, शाल्व था, और फिर उसके बाद दंतवक्र और विदुरथ, एस्पेशली शाल्व और दंतवक्र, ये वन ऑफ द मेन बहुत स्ट्रॉन्ग असुर थे जिनका भगवान कृष्ण ने वध किया। इनफैक्ट इनफैक्ट जय विजय कौन थे? शिशुपाल और दंतवक्र, या कंस नहीं था उसमें, दैट हैज टू बी केप्ट माइंड। जय विजय ने जो बार बार अवतार लिया, तीन बार अवतार लिया, नहीं पहले अवतार में तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, दूसरे अवतार में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल को तो मार दिया भगवान ने पहले, और लास्ट जो मारा था असुर वो था दंतवक्र, शाल्व और दंतवक्र, ये ऑलमोस्ट लास्ट मरे। दोनों भाई भाई थे, पता नहीं क्या था, रिलेशनशिप था कुछ, फ्रेंड्स थे शाल्व और दंतवक्र, उनको बिल्कुल एंड में मारा। और फिर इसको मारने के बाद, मतलब पॉइंट इसमें इस लीला में ये इंपॉर्टेंट ये है कि
ऑलमोस्ट लास्ट असुर वध लीला थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने किसी असुर का वध नहीं किया आफ्टर दिस। और इसके बाद ये कहा जाता है कि भगवान द्वारका छोड़ के वृंदावन चले गए। नाउ भागवतम में आप कहोगे ऐसा तो नहीं है, मगर जीवा गोस्वामी ने किताब लिखी गोपाल चंपू, और उसमें जीवा गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं भागवतम से प्रमाण देकर कि भगवान शाल्व और दंतपक्र का वध करके द्वारका छोड़ के वृंदावन चले गए थे वृंदावन वासियों से मिलने, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया था ना वृंदावन वासियों से कि मैं वापस आऊंगा, सो प्रॉमिस भी फुलफिल होना चाहिए। सो एक रूप में अलग चले गए, मतलब ओरिजिनल रूप में अलग चले गए, और एक रूप पीछे द्वारका में छोड़ दिया। सो द्वारका में भगवान का असली रूप नहीं था, द्वारका में भगवान का एक्सपेंशन थी, परछाई थी, असली रूप से दोबारा से वृंदावन चले गए। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लीला में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लीला एंड पॉइंट है भगवान का विनाशाय च दुष्कृताम। शुरुआत हुई थी भगवान की विनाशाय च दुष्कृताम की किससे? पूतना से, और अंत हुआ है शाल्व और दंत वक्र से, और बीच में कितने सारे लोगों को मारा भगवान ने। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं पढ़ूंगा अभी आ जाएगा इस लीला में क्या है, बट सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वेल भगवान कृष्ण ने एक और अद्भुत लीला थी अब बता रहे हैं यहां पर। अब मैं हिंदी पढ़ूंगा। शाल्व शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल तो शिशुपाल को मार दिया भगवान ने, तो वो बदला लेने आ गया। जब वह रुक्मणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदुवीरों ने उसे जरासंध तथा अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। तो शाल्व एक्चुअली बहुत ही डिस्ट्रेस था, क्योंकि एक तो शाल्व शिशुपाल के वध से पहले रुक्मणी जी के स्वयंवर में आया था, वो इनका फ्रेंड ही था सब, शाल्व शिशुपाल दंतवक्र रुक्मी ये सब फ्रेंड्स ही थे। तो ऑफ कोर्स भगवान जब रुक्मी के आए तो रुक्मणी जी का उन्होंने रुक्मणी जी को किडनैप कर लिया सबके सामने। और भागवतम कह रही है कि भगवान ने इस तरह रुक्मणी जी को किडनैप किया जिस तरह एक शेर है हाँ हिरनी को पकड़ के ले जाता है, और भेड़ी और गधे और गीदड़ कुछ नहीं कर पाते हैं, ये सब खड़े हुए थे कुछ भी नहीं कर पाए इनफैक्ट। सो शाल्व को वहां पे वो बहुत गुस्सा आया था, और फिर यहां पे भगवान ने फिर शिशुपाल का भी वध कर दिया। तो शाल्व और दंतवक्र ने कहा हम बदला लेंगे कृष्ण से, मतलब पॉइंट इज कि ये लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि कृष्ण भगवान है। कुछ ही लोग गिनती के पहचान पाए कृष्ण भगवान है जब इस धराधाम पे आए भगवान, मतलब पांडव थे और ब्रजवासी थे और मथुरावासी, बस कुछ ही लोग थे, कुंती महारानी उनमें से एक थी हाँ, मतलब वेदुर जी, सो कुछ ही लोग थे बस मुट्ठी भर, बाकी लोग पहचान ही नहीं पाए कृष्ण भगवान है। भगवान सामने है पृथ्वी पे है फिर भी नहीं पहचान पाए, जब भगवान पास में ही है सामने है उनसे मिल भी रहे हैं बात भी कर रहे हैं फिर भी नहीं पहचान पाए, तो हम पढ़ के कैसे पहचानेंगे, हमारे सामने भी नहीं है, हम तो बात भी नहीं कर रहे हैं। सो वो क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी। हम क्यों पहचान पाएंगे भगवान को बिना मिले, क्योंकि हमारे पास नॉलेज है, हमें पता है, इंफॉर्मेशन है भगवान की। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि सुनना है भगवान के बारे में, क्योंकि देखने से तो कोई नहीं पहचान पाए, देखने से तो सोच रहे मार देंगे, ऑर्डिनरी है भगवान। इसलिए कहा जाता है कि कानों से देखा जाता है आंखों से नहीं देखा जाता, श्रवणम से ही भगवान के दर्शन होते हैं, दर्शन करने से दर्शन नहीं होते, आप किसी को नहीं समझ पाओगे। ऐसे इंसान के साथ भी आप किसी को देखोगे क्या समझ पाओगे, उसको देखकर उसके बारे में सुनना पड़ेगा ना कौन है, तब समझ आएगा यस ये कौन है, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। सो शाल्व ने कहा, शाल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, समस्त राजाओं मतलब जब रुक्मणी जी को किडनैप किया था भगवान ने, तब उस टाइम शाल्व ने प्रतिज्ञा की थी, शाल्व प्रतिज्ञाम अकरोत, प्रतिज्ञा की श्रणवताम सर्व भूभुजाम, सारे राजाओं के सामने भूभुजाम,
ब्राह्मणों को बोलते हैं भूसुर, इस ब्राह्मणों का एक नाम होता है भूसुर। भूसुर मतलब होता है भू मतलब पृथ्वी, सुर मतलब पृथ्वी के देवता। और राजाओं को बोला जाता है भूभुजाम, भूभुज, भूभुज दो धरती की भुजाएं धरती को प्रोटेक्ट करती हैं, भूभुज। और वैश्यों को क्या बोलते होंगे, भूपाद नहीं नहीं क्या कहेंगे, भू उरु। और शूद्रों को भूपाद शायद, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं, आई डोंट नो बट भूभुज कहते हैं क्षत्रियों को। सो अयादवाम, तो सारे राजाओं के सामने प्रत्येक कर ली, अयदाम क्षमाम करिष्य पौरुषम मम पश्यत, मैं पृथ्वी के यादवों को विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को तो देखो। उसने ऐसे नॉर्मल जैसे पिक्चरों में होता है कि मैं उसके समस्त वंश को खत्म कर डालूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, विलेंस लेते हैं ऐसे, इसने भी मार ली, मैं सबको मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद वह मूर्ख राजा भगवान पशुपति शिव की पूजा प्रतिदिन मात्र एक मुट्ठी धूल फांक करने लगा। पाशम मुष्टिम सकृत ग्रसन, उसने फिर भगवान को हराने के लिए उसने कहा तपस्या करनी पड़ेगी, जैसे अश्वत्थामा ने की तपस्या। अश्वत्थामा ने भगवान को मारने के लिए किसकी पूजा की थी, शिवजी की पूजा की थी। सो क्या हो गया, हरे कृष्णा हरे। सो मैंने क्या बोल रहा हूँ, भूल गया मैं, पता नहीं। अश्वत्थामा ने शिवजी की पूजा की और फिर अश्वत्थामा ने एक्चुअली शिवजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करके पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, ऐसा भी किया था। ऑफ कोर्स अब पॉइंट ये कि शिवजी ने ब्लेसिंग्स क्यों दी अश्वत्थामा को, पांडवों के पुत्रों का वध करने के लिए। उसमें एक सीक्रेट अलग है, बट द पॉइंट इज अश्वत्थामा में शिवजी का अंश था एक। और रुद्र शिवजी भगवान के पास टाइम्स में भगवान के जितने भी जो पांडव हैं और जो भगवान के वंशज हैं उनको खत्म करके फिर भगवान पृथ्वी को, भगवान चाहते थे सब लोग वापस चले जाएं, दे शुड गो बैक, वापस चले जाएं, यहाँ पे कोई ना रहे, उनका रिलेटिव और पांडवों का रिलेटिव एक्सेप्ट परीक्षित थे जिन्होंने बाद में पृथ्वी का जिन्होंने बाद में पृथ्वी को रूल किया, वहां जाते जैसे जैसे भगवान ने खुद ने अपने अतिकुल को खत्म कर डाला अपने हाथों से। और भागवतम कह रही है कि वेल भगवान ने सोचा कि अगर मेरे बाद यदुकुल रहेंगे इस संसार में तो इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कोई उनको डिफीट नहीं कर पाएगा, और फिर वो अपने में लड़ेंगे और सबको कंट्रोल करने लगेंगे। सो वो एक अलग प्लान था। बट शाल ने भी किसकी पूजा की, पशुपतिम प्रभुम, पशुपतिम वर्ड यूज किया, शिवजी की पूजा की। शिवजी को पशुपति कहते हैं क्योंकि क्योंकि शिवजी पशु जैसे लोगों को कंट्रोल करके रखते हैं। कृष्ण को देव कहते हैं, सर्वदेवमयो, क्योंकि कृष्ण के भक्त देव जैसे होते हैं और शिवजी के भक्त पशु जैसे होते हैं। सारे असुर ही करते हैं शिवजी की पूजा, मतलब कोई अगर असुर कोई प्रतिज्ञा लेता है तो किस कृष्ण की पूजा करता है कि मैं उसको मार डालूंगा, चलो कृष्ण की पूजा करे, कभी नहीं होता, शिवजी की पूजा होती है हमेशा। इनफैक्ट मध्वाचार्य शिव गोस्वामी सारे आचार्य ये पॉइंट उठा रहे हैं कि इससे पता लगता है कि शिवजी भगवान नहीं है, क्योंकि शिवजी की पूजा सारे असुर करते हैं, शिवजी की पूजा वो करते हैं जिनको द्वेष है, जो मारना चाहते हैं। कृष्ण की पूजा वो करते हैं जो संसार का कल्याण चाहते हैं। तो इसी से पता लगता है कि शिवजी भगवान नहीं है, क्योंकि वो उन लोगों को कंट्रोल कर ले जो तमोगुण में। और उसने कैसी तपस्या की, पाशम मुष्टिम सकृत ग्रसन, तो वो रोज शिवजी के मंत्र जपता था, पूजा करता था और एक मुट्ठी धूल खाता था बस। इंटरेस्टिंग तपस्या नहीं। बस एक मुट्ठी धूल पता नहीं कैसे खा रहा था, भगवान जाने वो भी क्यों खा रहा था मुझे पता नहीं, बट एक मुट्ठी धूल खा रहा था बस वो रोज, दैट्स ऑल, एक फांक लेके। तो एक्चुअली इन असुरों से हम तपस्या करना भी सीख सकते हैं, मतलब ब्रह्मा जी ने तो सीखा है,
ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेके गए थे कि हिरण्यकशिपु जैसी तपस्या आज तक ना किसी भक्त ने की है, ना किसी देव ने की है, ना गंधर्व ने, ना किन्नर ने। हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की है भूतो ना भविष्यति, ना कोई कराए ना कोई करेगा। सारे देवताओं को लेके गए, देख चलो देखने चलते हैं, इंप्रेसिव तपस्या है। एंड ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड एक्चुअली हिरण्यकशिपु की तपस्या से। सो शाल भी ऐसी तपस्या कर रहा है ऑफकोर्स, बट प्रॉब्लम यह है कि असुरों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये लोग तपस्या के चक्कर में, भगवान खुद ही कह रहे हैं गीता में कि असुर लोग ऐसी तपस्या करते हैं जिससे कि उनके शरीर को भी कष्ट मिलता है और शरीर में रहने वाले परमात्मा को भी कष्ट मिलता है, अपने मन से करते रहते हैं। बट नेवरदलेस हम उनकी डिटर्मिनेशन तो सीख सकते हैं, सबसे सीख सकते हैं। नहीं वही तो मैंने बताया था, वाइज आदमी कौन होता है जो दोषों से गुण निकाल ले। सो संकल्प है बहुत स्ट्रांग, संकल्प है। तो संकल्प अगर बना के रखना है तो दो ही तरीके हैं बस, अगर कभी चाहते नहीं कि संकल्प टूटे, दो ही तरीके, या तो किसी को मारने का संकल्प ले लो तो बहुत उत्साह आ जाएगा, नहीं जैसे संसार के लोग तो विलेन होते हैं ना, उसकी मां मर गई मैं उसको मार के रहूंगा, वो दिन रात लगा पड़ा रहता है। या आप संसार का कल्याण करने की सोचो, उससे भी संकल्प, उससे भी उत्साह आ जाएगा। बस दो ही चीजें हैं संकल्प बनाने के लिए, वरना संकल्प टूट जाएगा। आप अपने बारे में सोचोगे संकल्प टूट जाएगा, वो कभी नहीं रख सकते आप। सो बदला लेने में भी, वो बदला लेने में भी दूसरे का ही सोच रहा है कि मैं उसको मार दूंगा, इसने मेरे उसको मारा, वाइफ को मारा, फ्रेंड्स को मार दिया, ये मार दिया, मैं उसको मार के रहूंगा। मैं उनके लिए ले रहा है, उसको अपने लिए क्या पड़ी है। ऑफकोर्स को दुख है उसके फ्रेंड चले गए, बट वो तो नहीं मरा। और दूसरी तरफ अगर संसार के कल्याण का सोचोगे कि उनकी हेल्प हो, उसमें भी हम अपने लिए नहीं कर रहे, ऑफकोर्स हमें खुशी मिलेगी हेल्प हो, बट हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। सो दो तरीके से संकल्प बना के रख सकते हो, ये आयुर्वेद में लिखा है, आपके आयुर्वेद में लिखा है दो तरीके से, द्वेष से और एक कल्याण की भावना से। जब ये दो भावनाएं होती हैं हृदय में तो संकल्प उगता नहीं कभी भी। सो उसने संकल्प लिया और भगवान उमापति, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष कहलाते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए शाल्व को एक वर्ष के बाद ही यह कहकर तुष्ट किया कि तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। वेल, भगवान शिव की पूजा करने से तो भगवान बहुत जल्दी, भगवान का नाम, शिव जी का नाम ही आशुतोष है, आशुतोष मतलब जो बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं। सो मगर फिर भी यहां पे कह रहे हैं कि उन्होंने एक साल बाद उस पर कृपा की। अब एक साल बाद क्योंकि वो पता नहीं मुझे, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि भगवान अर्थात सर्वज्ञ महान होने के नाते वह जान गए कि भगवान कृष्ण के शत्रु को दिया गया कोई भी वर निष्फल होगा। तो वो एक्चुअली शिवजी सोच रहे थे कि तपस्या कर रहा है कृष्ण को ही मारने के लिए, मतलब दैट्स अ इंटरेस्टिंग तपस्या। तो शिवजी सोच रहे थे क्या करूं मैं, इसको ब्लेसिंग्स दूं नहीं दूं, देता हूं तो फिर ये तो बिल्कुल ही एंटी डिवोशनल है, कृष्ण को ही मारने लगा है मेरे स्वामी को ही, और नहीं देता तो भी प्रॉब्लम है क्योंकि मेरी भक्ति कर रहा है। क्योंकि देवताओं का डिपार्टमेंट है, वो फोर्स्ड है, अगर उनके तपस्या करोगे तो वो फोर्स्ड है आपको 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 वर देने के लिए, कुछ नहीं कर सकते, वो उनको वरदान देना ही पड़ेगा। जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में जाओ, मान लीजिए आप किसी मतलब किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ या किसी गवर्नमेंट बैंक में जाओ, अगर आप उनसे पैसे मांगोगे तो उनको देने पड़ेंगे, या आपका अकाउंट है क्या करोगे, वो मना नहीं कर सकते, चाहे वो कितने ही द्वेष करते हो, भैया मेरा अकाउंट है मुझे पैसे चाहिए। सो ऐसी ऐसी देवी देवताओं का डिपार्टमेंट है, उनका डिपार्टमेंट है ब्लेसिंग्स देना, जो अगर आप उनकी पूजा करोगे तो वो आशीर्वाद देंगे, जो चाहिए दे देंगे, वो मना नहीं कर सकते। सो शिव जी ने कहा क्या करूं, मैं मना भी नहीं कर सकता, मैं पोस्ट पे बैठा हूं, और प्लस मना भी करना है क्योंकि कृष्ण भगवान को मारने के लिए ये पागल हो रहा है। एक्चुअली राम भगवान के केस में भी था, राम भगवान को भी, एक्चुअली राम भगवान के साथ भी प्रॉब्लम थी क्योंकि रावण भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और रावण शिव जी की पूजा कर रहा था कि मुझे राम को मारना है। सो
पार्वती ने कहा शिव जी से कि आप अब इसकी हेल्प करोगे रावण की, तो आपके स्वामी को ही मानना आता है राम को। शिव जी ने कहा नहीं, मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो शिव जी एक्चुअली रावण की साइड लेने नहीं आए, नहीं युद्ध में हुआ शिव जी आए नहीं, जबकि वो शिव जी का भक्त था। इनफैक्ट ये भी पॉइंट उठाते हैं सारे आचार्य कि अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे तो हो सकता है समय पे वो आपकी हेल्प करने ना आए। कृष्ण भगवान ऐसे नहीं है, आप पूजा नहीं भी करोगे तब भी वो आपको नहीं छोड़ेंगे, एटलीस्ट जब डेंजर होगा कभी भी नहीं छोड़ेंगे वो। सो देयर आर सम कॉन्ट्रास्ट जो कि शिव जी और भगवान कृष्ण और राम में फर्क बता रहे हैं। तो उन्होंने एक साल बाद उन्होंने कहा चल अब दे ही देते हैं इसको वरदान, क्योंकि वैसे भी शिव जी ने कहा मैं वरदान दूंगा भी तो वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि वो लड़ेगा भी कृष्ण से अगेंस्ट तो वो मरेगा ही मरेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता, डजंट हैपन। एक्चुअली जरासंध ने भी शिव जी की पूजा की थी पता है ना, और जरासंध ने किसने वरदान मांगा था, नहीं एक्चुअली जरासंध नहीं, हाँ जरासंध ने शिव जी की पूजा की थी, बानासुर ने शिव जी की पूजा की थी और उसने भी वरदान मांगा था कि मुझे ऐसे व्यक्ति से लड़ना है जो कि सबसे बलशाली है। तो शिव जी ने कहा ठीक है एक ही व्यक्ति है वो है कृष्ण, तो तुम्हारा युद्ध कृष्ण भगवान से होगा, और उनको पता है कि कृष्ण से लड़ेंगे तो कुछ होगा नहीं। मगर बानासुर के केस में शिव जी हेल्प करने आ गए थे, यू सी द पॉइंट, ना रावण के केस में शिव जी आए लड़ने राम के अगेंस्ट, ना शाल के केस में शिवजी आए कृष्ण के अगेंस्ट लड़ने, मतलब बानासुर के केस में शिवजी आ गए थे, बल्कि पार्वती भी आ गई थी बानासुर को बचाने के लिए कृष्ण के अगेंस्ट। किसी को पता है क्यों? क्या तो इसलिए क्योंकि शिवजी ने कहा कि भी देखो अब राम के रावण जब का वध हुआ तो मैं आया नहीं, प्रकट नहीं हुआ, तो उससे कंफ्यूजन हो गई, क्योंकि राम ने शिवजी की पूजा भी की थी है नहीं रामेश्वरम में, तो उसे बहुत तगड़ी कंफ्यूजन हो गई कि शिवजी भगवान है, अब वो नहीं आए रावण की हेल्प करने, तो लोगों ने कहा ठीक है वो भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब बानासुर के युद्ध में मैं आ जाता हूं, और मैं आ जाऊंगा तो वैसे भी मैं हारूंगा ही कृष्ण से, तो ये प्रूव हो जाएगा कि मैं भगवान नहीं हूं, तो वहां तो प्रूफ हो गया फिर बानासुर के केस में, और फिर शाल के केस में फिर वो शिवजी आए नहीं। पता नहीं शाल का पहले हुआ था या बाद में हुआ था वो मुझे नहीं पता, बानासुर का पहले हुआ था, हाँ देखना पड़ेगा। ओके, सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक भगवान उमापति शीघ्र प्रसन्न हुए, शाल ने ऐसा यान चुना जो न तो देवताओं असुरों मनुष्यों गंधर्वों उरगों न ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके, जो उसके इच्छा अनुसार कहीं भी यात्रा कर सके और वृष्णियों को डरा धमका सके। शाल के पास एक बहुत हाईटेक विमान था जो अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अपने शाल का विमान गायब हो सकता था, मतलब आप देख सकते हो और देख भी नहीं सकते, गायब हो जाएगा आपके सामने से, ऐसे 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 वो प्लेन में बैठा हुआ था। हाँ पूरी सेना भी आ जाती थी, और शाल्व के प्लेन में एंटी ग्रेविटी सिस्टम था, मतलब ये हमें पता है विमान शास्त्र से, विमान शास्त्र में शाल्व का प्लेन उसकी कंस्ट्रक्शन उसने कैसे बनाया उसका नाम भी पता नहीं विमान का मैं भूल गया हूँ, वह एंटी ग्रेविटी थी। सो वो मन से चलता था, वो सोचता था तो चलता था, अब उसने कनेक्शन कुछ वाईफाई लगाया होगा उसने पता नहीं, कुछ चिप लगाई होगी, मतलब हम सोच सकते हैं माइंड से, अब कैसे कर सकते हो आप, एटलीस्ट कुछ हाइपोथेसिस बना सकते हैं। सो दैट वाज ही वो, तो इस तरह एक्चुअली शाल मैजिशियन था, मैजिशियन भी था, अभी आ जाएगा, बहुत बड़ा जादूगर भी था, तो उसने ऐसी चीजें कर रखी थी। शिव जी ने कहा ऐसा ही हो, उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मय दानव ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाई जिनका नाम सौभ था और लाकर शाल को भेंट कर दी। अब शाल का फ्रेंड था मय दानव, और मय दानव को पता है कौन था, मय दानव सबसे बड़ा मैजिशियन है और नीचे के लोकों में रहता है, कहां रहता है वो, अतल वितल सुतल
तल वितल सुतल, सुतल में तो बलि रहते हैं, तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल, कहीं नीचे ही रहता है वो। सो नीचे के किसी एक लोक में रहता है और सबसे बड़ा मैजिशियन है। ये जो आपका लैपटॉप उसी के पास से आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी माया दानव की देन है। ये ऊपर से नहीं आ रही, ये नीचे की टेक्नोलॉजी है। इट्स इल्यूजन, नहीं पूरा इल्यूजन है ये लैपटॉप मीडिया। मतलब वो मतलब आप जो देख रहे हो वो है या नहीं है? आप अगर अमिताभ बच्चन की पिक्चर देख रहे हो तो अमिताभ बच्चन है वहां? नहीं है, वो कुछ भी नहीं है एक्चुअली वहां। फिर भी हम सब कुछ देख रहे हैं, उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये संसार ऐसे ही है, हम देख रहे हैं एक्चुअली ये चीजें हैं, मगर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो तो हम सब सिर्फ मिट्टी, पृथ्वी, जल, वायु, इसी के कॉम्बिनेशन है, और क्या है? अल्टीमेटली तो नहीं है ना। अल्टीमेटली तो अगर आप वहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे आपको अमिताभ बच्चन दिखाई, मैं कहा अमिताभ बच्चन नहीं है वो, वहां पे केवल पिक्सल्स हैं। पिक्सल समझते हो ना आप? पिक्सल समझते हो ना आप? स्क्रीन पे केवल डॉट 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 आ रहे हैं बस, उससे फिर हम एक अमिताभ बच्चन बन गए। ऐसे यहां पे कोई भी नहीं है, ना अनुत्तम है, ना ये है, ना वो है, बस ये पृथ्वी जल वायु के एक पिंड बने हुए हैं। वो तो हमें लग रहा है कि ये है और उसमें एक आत्मा बंद है। तो डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये सारा संसार भ्रम है, भ्रम है। आप सब मिट्टी के पुतले हो और उसमें बैठे हो और सोच रहे हो मैं ही हूं और मैं भी ऐसे ही हूं। सो मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि ये रूप विलास है, ये है, ये है, इसकी शक्ल ऐसी है। इंटेलिजेंट आदमी सोचता है कि ये पृथ्वी जल वायु अग्नि का एक पिंड है। उसका देखने का बिल्कुल ढंग अलग होता है, वो अलग एंगल से देख रहा है, बिल्कुल ही अलग एंगल से देख रहा है। जैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, माँ अपने बच्चे को एक डिफरेंट एंगल से देख रही है। माँ अपने बच्चे का शरीर या वो सब नहीं देख रही, माँ अपने बच्चे का स्नेह देख रही है। यू सी, उसका फोकस कहीं और है। इसलिए उसको वो अपना वो, इसलिए हर माँ को अपने बच्चे से प्रेम होता है, चाहे वो कितने ही कुरूप क्यों ना हो। सो ऐसे ही एक बुद्धिमान पुरुष एक अलग दृष्टिकोण से देखते। तो मय दानव जो है वो बहुत बड़ा मैजिशियन है, और उसने वो शाल्व का फ्रेंड था और शाल्व को ये स्पेशल प्लेन बना के दिया जो अपनी मर्जी से गायब हो सकता है, उसकी मर्जी से गायब हो सकता है, उसकी मर्जी से प्रकट हो सकता है। और उसको चाहिए भी था ये सब, उसने शिव जी से पावर्स भी ले ली, ये प्लेन भी ले लिया, तो वो कॉन्फिडेंट हो गया कि कृष्ण उससे जीत नहीं सकते। मतलब ब्लेसिंग्स भी है बेस्ट, और बेस्ट टेक्नोलॉजी भी है, बट स्टिल भगवान के सामने वो टिक नहीं पाएगा। यह है पहुंच से परे यान, यह जो प्लेन के बारे में बता रहे हैं, यह प्लेन अंधकार से पूर्ण था, अंधकार से पूर्ण था। तमो धाम अधुरा सतम, अंधकार से पूर्ण था, मतलब इस प्लेन में अंदर अंधेरा था पूरा। या यूं कह लीजिए, पता नहीं अंधकार से पूर्ण, मुझे नहीं पता, आई थिंक या यूं कह लीजिए ब्लैक कलर का होगा, मुझे नहीं पता। तमोधाम लिखा है, अब इन्होंने तो अंधकार से पूर्ण लिखा है, हो सकता है ब्लैक कलर का होगा, या पूरा ब्लैक कलर का होगा, आप रात को देख नहीं सकते उसको, और कहीं भी आ सकता था। इसे प्राप्त करने पर शाल्व अपने प्रति वृष्णियों की शत्रुता स्मरण करते हुए द्वारका गया, सीधा प्लेन में बैठा और द्वारका चला गया वो। हे भरत ऋषभ, शाल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर लिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों, अट्टालिकाओं समेत महलों, गोपुरों तथा चार दीवारियों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर डाला। पूरी आर्मी के साथ उसने द्वारका को घेर लिया, नॉर्थ से, साउथ से, वेस्ट से, पूरा फुल अटैक कर दिया उसने, सारे दोस्तों से मिलके, आर्मी से लेके। एंड कृष्णा और बलराम और उनकी छोटी सी सेना, द्वारका सेना, मतलब फुल अटैक हो गया। उसने अपने सर्वश्रेष्ठ प्लेन से पत्थरों, वृक्षों के तनों, मतलब उसने अपने प्लेन में ये सब भर रखा था, पत्थर भर रखे थे, तो ऊपर से पत्थर फेंक रहा था, वर्षाएं कर रहा था, वृक्ष फेंक रहा था, वज्र फेंक रहा था। वज्र समझते हो ना आप लोग, वज्र क्या होता है? वज्र नहीं पता? वज्र मतलब होता है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है, तो लाइटनिंग फेंक रहा था। क्या सीन होगा, मतलब अगर इमेजिन करो आप, हॉलीवुड मूवी बनाओ तो बहुत अच्छी बन जाएगी इसमें। मतलब लोग हैरी पॉटर बना रहे हैं, तो शाल
शाल वैन कृष्णा बनानी चाहिए, सांप फेंक रहा था ऊपर से। ये इंटरेस्टिंग है वॉर में, हाँ सांप फेंक सकते हो आप, अगर कोई बुलेट आए तो फिर आप बच सकते हो, सांप आ गया वो तो घबरा ही जाए, सांप गिर रहे हैं बुलेट तो चलो आप बच गए बच गए, सांप गिरा तो वो तो चढ़ जाएगा किसी पे भी। ये अच्छी टेक्निक है, मतलब वो मरेंगे ही लोग, वो कैसे बचेंगे अगर सारे सांप ही सांप भर दो पूरी कंट्री पूरी बटाला में ऊपर से फेंक के चले गए तो आप कैसे बचोगे? बच ही नहीं सकते। बुलेट से तो बच सकते हो आप, अंदर चले जाओ, मिसाइल से भी बच सकते हो, नीचे चले जाओ धरती के टनल्स में, बट सांप से कैसे बचोगे आप? सांप से नहीं बच पाओगे। सांप भी फेंक रहा था वो, ओले ओले फेंक रहा था और हथियारों की वर्षा कर रहा था ऊपर से, नाइफ एक्स हथियार की वर्षा, और हथियार मतलब बुलेट भी हो सकती है। एक भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ, उसने धूल से सारी दिशाओं को ओझल बना दिया, सब जगह धूल थी, सांप गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, वृक्ष गिर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो वज्र आ रहा है, बुलेट्स गिर रही है, मिसाइल्स गिर रही हैं, सब चारों तरफ से द्वारका पूरे आतंक में आ गया। मतलब और इस कथा में भी आता है कृष्ण भगवान टेंशन में आ गए थे एक्चुअली, दैट्स अ होल पॉइंट इस कथा की, भगवान को एंग्जाइटी हो गई थी, टेंशन में आ गए थे कि मतलब ये तो बिल्कुल अनकंट्रोल सिचुएशन हो गई, मतलब अगर भगवान नॉर्थ के गेट में लड़ने जाते हैं तो वहां सारी तरह से अटैक हो गया ना, ये तो कहां से लड़ोगे? और द्वारका तो वैसे भी आइलैंड था, आइलैंड ही है ना द्वारका, तो चारों तरफ से अटैक हो गया, छोटी सी तो है। सो ही वॉज कृष्ण भगवान सोच रहे थे करें क्या अब, हाउ टू डू दैट। अपनी प्रजा को इस प्रकार सताई जाते देखकर यशस्वी तथा वीर भगवान प्रद्युम्न ने उनसे इस प्रकार कहा, डरो मत, मतलब तो भगवान ने कहा प्रद्युम्न मैं भी कुछ करता हूं और तुम भी कुछ करो, मतलब डिस्कशन की क्या करना चाहे। तथा वह अपने रथ पर सवार हो गया, प्रद्युम्न सवार हो गया, रथियों के प्रमुख सेनापति सातेकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर और उसके छोटे भाई उनके साथ ही हार्दिक के भानुविंद, गद, शुक तथा सारन, अनेक अन्य प्रमुख धनुर्धन के साथ कवच धारण करके रथों, हाथियों, घोड़ों पर सवार सैनिकों एवं पैदल सिपाहियों की टुकड़ियों से सुरक्षित होकर नगर के बाहर आ गए। सब लोग आ गए, अभी काउंटर करने की भी अटैक हो गया है। तब शाल्व की सेनाओं तथा यदुओं के बीच घनघोर रोंगटे खड़ा कर देने वाला युद्ध प्रारंभ हुआ, रोंगटे खड़े करने वाला, दैट्स ओके। यह असुरों तथा देवताओं के मध्य महान युद्ध के तुल्य था, सब लोग फाइट शुरू हो गई वहां। प्रद्युम्न ने अपने दैवी हथियारों से शाल्व की सारी माया को क्षण भर में उसी तरह नष्ट कर दिया जिस तरह सूर्य की गर्म किरणों से रात्रि के अंधेरे को दूर कर दिया जाए। एक्चुअली प्रद्युम्न भी बहुत प्रद्युम्न को भी मैजिक आता था, तो कहां से सीखा था प्रद्युम्न ने? मदर थी, वाइफ थी, मदर एंड वाइफ, दैट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन, पहले मदर थी फिर वाइफ बन गई थी। क्या था नाम? रति, तो रति था, मतलब उसका फिर वो ही पैदा हुई थी दोबारा से। तो प्रद्युम्न को बचपन में एक मछली ने खा लिया था, उसको फेंक दिया था ना समुद्र में, तो वो मछली कहाँ तो किस किंगडम में आई थी? आई थिंक शाल्व के यहाँ आई थी, हाँ शाल्व ही था, है समरासुर, हाँ हाँ, तो समरासुर के यहाँ जो कुक था उसने पकड़ ली मछली, मतलब उसके खाने के लिए काटा तो वहां से बच्चा निकला, तो समरासुर के यहाँ ये औरत थी रति, इसको दे दिया इसने कि तू संभाल ले। और रति जो थी वो पिछले जन्म में कामदेव की पत्नी थी, तो जब शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था अपनी तीसरी आंख से, इसलिए कामदेव का नाम वो पड़ गया था अनंग, जिसका कोई शरीर नहीं है। तो रति ने फिर रति भी दोबारा से फिर उसने जन्म लिया पृथ्वी पर, और फिर इसने बच्चे को लिया, बच्चे को अपनी अपने माया से बड़ा कर दिया, और फिर इसको याद आ गया कि मैं तो इसकी वाइफ थी, ये कामदेव है, और फिर शादी कर ली उनसे, और फिर प्रद्युम्न को वहां पर सारी तो प्रद्युम्न को सारा मैजिक सिखाया, क्योंकि शंबरासुर माया दानव का बेस्ट फ्रेंड था, दोनों मैजिशियन है,
तो सारा मैजिक सिखा दिया। और फिर प्रद्युम्न ने बड़ा होकर मैजिक सीखे तो सबसे पहले तो शमरासुर को ही मारा फाइट की, तो मतलब अपना मैजिक भी टेस्ट हो गया उसका कि कितना स्ट्रांग है वो। और फिर यहां पे उसने शाल्फ के सारे मैजिक को डिफ्यूज कर डाला। तो एक्चुअली प्रद्युम्न के सारे तीरों के पुच्छलो सोने के, सिरे लोहे तथा जोड़ एकदम चिकने थे। नहीं, सुखदेव गोस्वामी क्यों बता रहे हैं सब। उसने 25 तीरों से शाल्फ के प्रधान सेनापति द्युमान को मार गिराया और 100 तीरों से शाल्फ पर प्रहार किया। फिर उसने शाल्फ के हर अधिकारी को एक एक तीर से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 तीरों से तथा घोड़े एवं अन्य वाहनों को 3-3 बाणों से वेट डाला। दे वर वेरी फास्ट। एक्चुअली उनको विद्या आती थी कि एक तीर 100 में डिवाइड हो जाए। 100 तीर कैसे चलाएंगे वो, तो एक तीर 100 में डिवाइड हो जाता था मंत्रों से और फिर 100 तीर जाके लगते थे उनको। तो इस तरह से उसने सबको मार डाला। जब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को ऐसा वह चकित करने वाला तथा बलशाली कर्तव्य करते देखा तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। मय दानव द्वारा निर्मित वह मायावी बिना विमान एक क्षण अनेक एक जैसे रूपों में प्रकट होता, दूसरे क्षण पुनः केवल एक ही रूप में प्रकट होता। तो विमान में कैपेसिटी थी कि एक क्षण एक ही दिखाई देता और दूसरे क्षण बहुत सारा दिखाई देता था, बहुत सारे मतलब एवरीवेयर। आप शाल को, विमान को देख सकते हो, मतलब ही वॉज डूइंग मैजिक, बेसिकली ब्लैक मैजिक कर रहा था वो। इस तरह शाल के विरोधी निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहां जा रहा था। एक क्षण से दूसरे क्षण के सौभ विमान पृथ्वी में, आकाश में, पर्वत की चोटी पर, जल में दिखाई देता था। घूमते हुए आंख के पुंज की तरह वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकता था। शाल जहां जहां अपने यान तथा अपनी सेना के साथ प्रकट होता वहां वहां यदु सेनापति अपने बाण चलाते। सो कभी वहां दिखाई दे रहा था, वहां बाण चला रहे, कभी वहां कुछ कर नहीं पा रहे थे। अपने शत्रु के बाणों से पीड़ित हो रही अपनी सेना तथा यादवपुरी को देखकर शाल मोहग्रस्त हो गया, क्योंकि शत्रु के बाण अग्नि तथा सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे, सर्प विष की तरह असह्य हो रहे थे। शाल हारने लगा धीरे धीरे इन स्पाइट ऑफ सो मच टेक्नोलॉजी, और क्योंकि वृष्णि कुल के वीरगण इस जगत में तथा अगले लोक में विजय पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने रणभूमि में अपने नियत स्थानों का परित्याग नहीं किया। यद्यपि शाल के सेनापतियों द्वारा चलाए गए हथियारों की वर्षा से उन्हें पीड़ा हो रही थी। शाल का मंत्री द्युमान, जो इसके पूर्व श्री प्रद्युम्न द्वारा घायल कर दिया गया था, अब जोर से गर्जना करता हुआ उनके पास आया और उसने उन पर काले इस्पात की बनी अपनी गदा से प्रहार किया। शाल का सेनापति आ गया प्रद्युम्न से लड़ने। प्रद्युम्न के सारथी दारुक पुत्र ने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से शत विक्षत हो गई। शाल वो प्रद्युमान आया और उसने प्रद्युम्न के छाती पर प्रहार किया था। उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को भली भांति जानते प्रद्युम्न को युद्धभूमि से हटा लिया। प्रद्युम्न बेहोश हो गए और उनका सेनापति उनको वापस लेके आ गया। तुरंत ही होश आने पर भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न ने अपनी सारथी से कहा, हे सारथी, यह निंदनीय है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो। मेरे अतिरिक्त यदुवंश के जन्मे किसी ने कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया। अब तो मेरी ख्याति एक सारथी द्वारा कलंकित हो चुकी है जो एक नपुंसक की तरह सोचता है। युद्ध में कभी भी भागना नहीं चाहिए, अगर बेहोश हो जाओ तब भी युद्ध स्थल नहीं छोड़ना चाहिए, यह क्षत्रिय धर्म है। अब मर जाओ मगर युद्ध स्थल नहीं छोड़ सकते, यह क्षत्रिय धर्म होता है। इनफैक्ट उन्होंने ही बोला था, किसने बोला था आपको, आपका दशरथ जी ने के कई को, तो दशरथ जी भी बेहोश हो गए थे उनका कुछ, तो केकई ने वीरता से उनको बचा के वापस ले आई। तो दशरथ जी थोड़े दुखी भी थे कि तुम मुझे वहां से ले आई हो, मगर वो मगर थैंकफुल भी थे कि केकई ने दशरथ जी की जान बचा ली। और फिर उनको ये भी, उनको वरदान भी देखे, तुम वरदान मांगो, केकई ने बोला मैं बाद में मांगूंगी। और फिर वो दशरथ जी को बहुत भारी पड़ गया, हमें पता है नहीं, राम का वनवास और राम भगवान को राजा नहीं बनाना। मैं अपने पिता राम और केशव से क्या कहूंगा, जब मैं युद्ध से मात्र भागकर मैं उनके पास वापस जाऊंगा, मैं उनसे क्या कह सकता हूं जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप ही हैं। तो उन्होंने कहा भी मेरी तो बेइज्जती हो गया, मैं क्या करूं। और उन्होंने आपका अब तो मैं कायर बना, अब तुमने मुझे कायर बना दिया है। इस नियम को मन में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल, तो उसने कहा भी, उसके उनके सारथी ने कहा कि भी मैंने तो आपने धर्म अपना पालन किया, आपने मुझे कहा कि मैं कायर हूं, मगर मैंने अपना धर्म पालन किया है। उस सारथी ने कहा, निश्चय ही मेरी भामिया मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर,
हमें यह तो बताओ कि किस तरह इस संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया है। बट सारथी ने अपना धर्म निभाया, क्योंकि अगर स्वामी घायल हो जाए तो उनकी रक्षा करना सारथी का कर्तव्य है। दोनों ने अपना धर्म निभाया। सो कभी कभी क्या होता है, कभी 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 दो धर्म विरोधी होते हैं। नहीं, एक धर्म तो कह रहा है कि युद्ध छोड़ के जाना नहीं चाहिए, दूसरा धर्म कह रहा है कि अगर आपका स्वामी खतरे में तो उनको वापस ले आना चाहिए। अब कौन सा धर्म पालन करें? वेल, सब अपना अपना धर्म पालन करेंगे, दैट्स ऑल, चाहे वो विरोधी धर्म भी है। और अब उसके बाद क्या हुआ, जो मेन मेन बात थी यहां पर, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जल से अपने को तरोताजा करने के बाद अपना कवच पहनकर तथा अपना धनुष लेकर भगवान प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, मुझे वहीं वापस ले चलो जहां वीर द्युमान खड़ा है। प्रद्युम्न की अनुपस्थिति में द्युमान उसकी सेना को तहस नहस किए जा रहा था, किंतु अब प्रद्युम्न ने द्युमान पर बदले में आक्रमण कर दिया और हंसते हुए 8 नाराज बाणों से उसे भेद दिया। कोई कुछ होंगे बाण, मुझे नहीं पता मिलिट्री साइंस, लोहे के विशेष बने हुए बाण, नाराज बाण। इन बाणों में से चार से उसने द्युमान चार घोड़ों को, एक बाण से उसने सारथी को, दो अन्य बाणों से उसके धनुष तथा रथ के झंडे को, अंतिम बाण से द्युमान के सिर पर प्रहार कर दिया और सिर काट डाला। एक्चुअली ये जो प्रद्युम्न था, महाभारत में लिखा है कि इनकी स्पीड कितनी थी, कितनी स्पीड से चलाते थे, मतलब एक सेकंड में कितने बाण थे, तो एक्चुअली भीष्म पितामह और इनके बारे में बोला था, एक सेकंड में ये लोग 8 बाण छोड़ सकते थे, जस्ट मतलब विदाउट एनी मैजिक, इतने फास्ट थे। मतलब बाण पीछे खड़े, निकाला छोड़ा, निकाला छोड़ा, निकाला छोड़ा, 8 बाण एक सेकंड में छोड़ सकते हैं। तो महाभारत में लिखा है कि जब भीष्म पितामह और प्रद्युम्न जैसे वीर चलाते थे बाण, तो ऐसा लगता था कि उनके हाथ नहीं दिखाई देते थे, और ये दिखाई नहीं देता कि कब चढ़ा रहे हैं, एक सेकंड में कैसे करेगा, बस ये दिखाई देता था कि जैसे पंखा चलता है, कुछ हो रहा है बस और सर कट रहे हैं, बस ये कुछ दिखाई नहीं देता था, इतने फास्ट थे लोग। दैट वॉज हाउ दिस, परशुराम इतने फास्ट थे। परशुराम के बारे में बोला था कि परशुराम जब लड़ने आते थे तो परशुराम दिखाई नहीं देते थे, बस एक हवा फील होती थी जो चल रही है, और लोगों के हाथ पांव सर कट रहे हैं, कुछ पता नहीं, क्योंकि परशुराम माइंड की स्पीड से भी फास्ट चल रहे थे। लाइट की स्पीड से फास्ट छोड़ो, माइंड की स्पीड से फास्ट चल रहे थे। दे हैड सच अ फास्ट स्पीड, बहुत ट्रेंड लोग थे ये, तो उन्होंने द्युमान को मार दिया। इस तरह यदुघन तथा शाल्व के अनुयायी एक दूसरे पर आक्रमण करते रहे। यह घनघोर भयानक युद्ध 27 दिनों तथा रातों तक चलता रहा। इमेजिन 27 दिन, गोवर्धन लीला तो 7 दिन हुई थी, 27 दिन चलता रहा, कोई नहीं हार रहा है, वो अटैक कर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, इट्स अ बिग प्रॉब्लम द्वारका पे आ गई। धर्मपुत्र युधिष्ठिर द्वारा आमंत्रित किए जाने से भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। प्रॉब्लम ये थे, कृष्णा वहां पे थे नहीं, इसलिए 27 दिनों तक खिंचता रहा। भगवान वहां होते तो चलो काम हो जाता, कृष्णा इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, और शाल्व ने वो मूवमेंट भी ढूंढा जब कृष्णा नहीं है, वो भी पॉलिटिशियन तो है ही, जब अभी कृष्णा है नहीं, अभी अटैक करने का अच्छा टाइम है। अब जब राजसी यज्ञ पूरा हो चुका था, शिशुपाल मारा जा चुका था, शिशुपाल मर चुका है, तो भगवान को अपशकुन दिखने लगे, और तो भगवान को वहां पे अपशकुन दिखने लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देयर इज सम प्रॉब्लम गोइंग ऑन। अतः उन्होंने कुरुवंशी बड़े बूढ़ों तथा महान ऋषियों से एवं अपनी बुआ प्रीता तथा उनके पुत्रों से भी विदा ली और द्वारका लौट आए। द पॉइंट इज, हमें पता है नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने रिक्वेस्ट की थी कृष्ण भगवान से, थोड़े दिन और रह लीजिए हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, तो वो रह भी गए थे, मगर फिर उन्होंने उनको जाना पड़ा क्योंकि बहुत अपशगुन हो रहा था। भगवान ने अपने आप को कहा, भगवान ने मन मन में सोचा, अब नाउ यू सी भगवान क्या सोच रहे हैं, नाउ दिस पास्ट टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताने के लिए कि भगवान क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। आफ्टर ऑल जितने भी लीलाएं हम भगवान को समझने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं कोई हॉलीवुड मूवी देखने के तो पढ़ नहीं रहे कि कैसे लड़ाई हो रही है, वो भी इंटरेस्टिंग है, बट
The main point is you have to understand God. So Bhagavan ne apne man mein socha, क्योंकि मैं यहां अपने पूज्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ भ्राता सहित आया हूं, शिशुपाल के पक्षधर राजा मेरी राजधानी पर आक्रमण कर रहे हैं। सोचा कि भी शिशुपाल को मैंने मार दिया यहां पर, यहां पे हो तो शाल ने इसका फायदा उठा लिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, द्वारका पहुंचने पर भगवान इमीजिएटली द्वारका गए, मतलब भगवान को अपने भक्तों की टेंशन थी। ये पूरा पास्ट टाइम यही दिखा रहा है कि भगवान को भी टेंशन होती है अपने भक्तों के लिए, जिस प्रकार भक्तों को भगवान के लिए टेंशन होती है। जब भगवान कृष्णा हंसते ना, या जब भगवान कृष्णा इंद्रप्रस्थ छोड़ के जा रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण की रक्षा के लिए पूरी सेना दी थी, पता है ना, भागवतम में पढ़ा है, पूरी सेना दी थी। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भगवान तीनों लोक के स्वामी हैं, उनके लिए युधिष्ठिर महाराज इतनी थोड़ी सी सेना दे रहे हैं, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का विनाश केवल एक भ्रुकुटी हिला के कर सकते हैं। उनकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर महाराज सेना दे रहे हैं, मतलब जस्ट सच अ कॉन्ट्राडिक्शन। वह युधिष्ठिर महाराज का स्नेह था भगवान से, ऐसे ही भगवान का स्नेह अपने भक्तों से है। और जहां स्नेह होता है वहां टेंशन भी होती है, वो नेचुरल है। जहां आ सकती है वहां चिंता भी है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां चिंता नहीं है वहां पे आ सकती नहीं है, जहां टेंशन नहीं है वहां स्नेह नहीं है, सिंपल सी बात है। सो जैसे जैसे अपने को कुछ आ जाता है तो टेंशन होती है, नहीं होती है? किसी पड़ोसी को हो जाए तो टेंशन नहीं होती, अफसोस जरूर होता है, हाँ बहुत बुरा हुआ, देखिए हमें भी बहुत बड़ा दुख है, मगर एक्चुअली कोई टेंशन वेंशन नहीं है, वो तो घर वालों को होती है। सो भगवान को टेंशन हो रही है, दैट्स। द्वारका पहुंचने पर उन्होंने देखा कि लोग किस तरह विनाश से भयभीत हैं, और शाल तथा उसके विमान को भी देखा, तो केशव ने नगरी की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की, और फिर दारूक से निम्नलिखित बोले। वो इमीडिएटली आ गए, अब कैसे आ गए इतनी जल्दी वो मुझे पता नहीं, 27 दिन थे, आ ही गए होंगे। यहाँ पे लिख रहे हैं, श्री विश्व चक्री ठाकुर के अनुसार विशिष्ट सैनिक गुप्त रास्ते से रानियों को द्वारका के भीतर सुरक्षित स्थान पर सुकुशल ले गए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, हे सारथी, शीघ्र ही मेरे रथ शाल्व के निकट ले चलो, यह शाल शक्तिशाली जादूगर है, तुम उससे विमोहित नहीं होना। अब शाल जीत इस रहा था क्योंकि जादूगर था, वैसे तो भगवान मार ही देते बहुत जल्दी, जरा संत को उसमें कोई मैच, शिशुपाल भी कोई मैच नहीं था, ये जादू भी सीख लिया और शिवजी की तपस्या भी कर ली। इस तरह आदेश दिए जाने पर दारोक ने भगवान के रथ की राज संभाली और उसे आगे हांका। जो ही रथ युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ तो वहां पर उपस्थित शत्रु तथा मित्र हर एक ने गरुड़ के प्रतीक को देखा। भगवान कर गए एंटर, सबने देखा कृष्ण भगवान आ गए, क्योंकि भगवान के रथ का फ्लैग कौन क्या है, चिन्ह गरुड़ जी, और अर्जुन के रथ का चिन्ह क्या है, हनुमान, और युधिष्ठिर महाराज नहीं, बैल है, बैल धर्म, धर्म का प्रतीक बैल होता है, और कौन है, परीक्षित का क्या था, परीक्षित का भी था वैसे, मेंशन तो है, भूल गया हूं मैं क्या था, फ्लैग के निशान होते हैं। सो वो आ गए भगवान। जब नष्ट प्राय सेना ने स्वामी शाल्व ने कृष्ण के को पास आते देखा तो उसने भगवान के सारथी पर अपना भाला फेंका। शाल्व तो डर गया कि कृष्ण आ गए। यह भाला युद्ध भूमि में से होकर उड़ते समय भयावानी गर्जना कर रहा था, मतलब भाल पूरा लाइट और साउंड के साथ, यू हैव टू इमेजिन दैट, दैट्स ऑल। शाल द्वारा फेंके गए भाले ने सारे आकाश को अत्यंत तेजवान कर डाला और तारे की तरह प्रकाशित कर दिया, किंतु भगवान शौरी ने अपने बाणों से उस महान अस्त्र को सैकड़ों खंडों में छिन्न भिन्न कर डाला। भगवान ने अपने बाणों से उसको सैकड़ों टुकड़ों में बांट काट डाला। तब भगवान कृष्ण ने शाल को 16 बाणों से भेद दिया। आकाश से इधर उधर घूमते हुए शाल विमान पर बाणों की वर्षा से प्रहार किया। बाणों की वर्षा करते हुए भगवान उस सूर्य की तरह लग रहे थे जो अपनी किरणों से आकाश को अपलाबित करता है।
शाल्व और कृष्ण का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गई। तब शाल्व ने भगवान कृष्ण की बाई वहां पर प्रहार किया, जिसमें वह अपना शारंग धनुष पकड़े थे। विचित्र बात यह हुई कि वह धनुष उनके हाथ से गिर गया। अब पॉइंट यह है कि भगवान तो लीला कर रहे हैं, जैसे हिरण्याक्ष और उसमें के बीच में लड़ाई हुई थी, कौन थे, कौन सा अवतार था, वरा अवतार ना, तो भागवतम में आता है जब लड़ाई हो रही थी तो भगवान हिरण्याक्ष भगवान को मार रहा था, उसने मुट्ठी से मारा, गदा से मारा, भगवान गिर भी गए और सारे अवतार चिल्लाने लगे, ओ ये क्या हो गया। बट सुखदेव को सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान मजे कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। भगवान तो यूं पकड़ के मार देते, टाइम की वेट कर रहे थे। तो एक नक्षत्र है अक्षय नक्षत्र, उसकी वेट कर रहे थे। जैसे अक्षय नक्षत्र आया, वैसे ही नक्षत्र आते ही उसने, भगवान ने सीधा हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष को इस तरह पकड़ा जिस तरह एक हाथी चींटी को पकड़ता है, और पकड़ के बस। तो कैसे मारा था हिरण्याक्ष को, गदा से नहीं मारा था, तो फिर हाथ से पकड़ा हुआ था, घुसे घुसे मारे थे, आई थिंक घुसा मारा था, एक दो घुसे मारे वो चित हो गया। That's all. He just died. So, भगवान में यहां पे लीला कर रहे हैं। जो एक घटना देख रहे थे वह सब हाहाकार करने लगे। तब शाल्व के स्वामी ने तेजी से गरज कर जनार्दन को इस प्रकार कहा। द पॉइंट इज, भगवान कभी कभी ऐसा करते हैं, जैसे भगवान ने कालिया नाग की लीला में किया, नहीं तो भगवान कालिया नाग की लीला में कालिया के चंगुल में आ गए, और जब व्रजवासी आए तो उन्होंने देखा भगवान तो कालिया नाग के चंगुल में पड़े हैं, कालिया ने पूरा पूरा लपेट रखा था, भगवान ऐसे ही पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा भैया भगवान को तो पकड़ लिया इसने, 6 घंटे पड़े रहे कालिया नाग के चंगुल में, निकल ही नहीं पा रहे थे, मतलब निकल नहीं पा रहे थे, मतलब निकल नहीं रहे थे। और व्रजवासी बहुत दुखी हो गए, रोने लगे, बेहोश हो गए। तो भागवतम कहती है भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान देखना चाहते थे कि उनका भगवान से कितना प्रेम है, क्योंकि जब भगवान संकट में होते हैं तो भक्तों का प्रेम प्रकट हो जाता है। सो ऐसे यहां पे भगवान देखना चाहते होंगे कि जब उनका गिर गया तो सब जगह हाहाकार मच गई और सारे डिवोटीज टेंशन में आ गए कि वो ऐसा हो गया भगवान के साथ, अब तो भगवान हारने लग रहे हैं। तो भगवान कभी कभी प्रेम देखने के लिए ऐसा कर देते हैं, प्रेम उनके प्रेम देखने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं, और फिर देखते हैं कि कितना प्रेम है उनको। और प्रेम देखने के लिए भी नहीं, संसार को प्रेम दिखाने के लिए कि मेरे भक्तों को कितना मुझसे प्रेम है। संसार को प्रेम प्रकट करने के लिए भगवान वृंदावन छोड़ के तो द्वारका गए थे, सब प्रेम के लिए ही हो रहा है और कुछ नहीं है, प्रेम देने के लिए और प्रेम लेने के लिए और प्रेम दिखाने के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान की लीला प्रेम लीला है, राम भगवान की लीला मर्यादा लीला है। राम भगवान जो भी कर रहे हैं रामलीला में, वो मर्यादा को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण भगवान जो भी कर रहे हैं अपनी लीला में, वो प्रेम को उजागर करने के लिए कर रहे हैं। हमें हर लीला में भगवान का प्रेम ही ढूंढना है, क्योंकि प्रेम ही तो टारगेट है, कृष्ण प्रेम को मर्थो महान। शाल्व ने कहा, अरे मूर्ख, शाल्व भगवान को कह रहा है, अरे मूर्ख, क्योंकि हमारी उपस्थिति में तुमने हमारे मित्र किसको मारा था, शिशुपाल, और अपने भाई शिशुपाल की दुल्हन का अपहरण किया था। उन्होंने कहा, उन्होंने एक तो अपहरण भी किया और उसके बाद जब वह सतर्क नहीं था तो पवित्र सभा में तुमने उसकी हत्या कर दी, इसलिए आज मैं अपने तेज मानव से तुम्हें ऐसे लोक में भेज दूंगा जहां से लौटना नहीं होता। भगवान को कह रहे, यदि भी तुम अपने को अपराजय मानते हो किंतु यदि तुम मेरे समक्ष खड़े होने का साहस करो तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। अहंकार का, अहंकार से आंखों पे पट्टी आ जाती है, भगवान को ही मारना चालू हो गया। मतलब ये भक्ति नहीं करना एक बात है, भगवान को मारना दूसरी बात है। इसको कहते हैं असुर, असुर लोग ये होते हैं, भगवान को मारना चाहते हैं। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, भगवान ने फिर कहा, अरे मूर्ख, तुम व्यर्थ ही डिंग मार रहे हो, क्योंकि तुम अपने निकट खड़ी मृत्यु को देख नहीं पा रहे हो। असली वीर कभी अधिक बातें नहीं करता। ये तो टिपिकल पिक्चर का डायलॉग है, पिक्चर नहीं बोलते, ज्यादा बोलो मत, नहीं क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं डायलॉग, मैं एग्जैक्ट डायलॉग भूल गया हूं, या
ज्यादा बातें नहीं करता असली वीर, अपितु कार्य करके अपने पौरुष प्रदर्शित करता है। यहीं से लिया होगा डायलॉग और क्या। सो ऐसा कहकर क्रुद्ध हुए भगवान ने भयवानी शक्ति तथा अत्यंत वेग से अपनी गदा घुमाई और उसे शाल के कंधे की हड्डी पर मारा, जिससे वह कांप उठा और रक्त और उसको ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी, खून खून निकलने लगा उसके मुंह से। लेकिन भगवान अच्युत द्वारा अपनी गदा वापस लेते ही शाल दृष्टि से ओझल हो गया, उसका मैजिक तो था ही, गायब हो गया। और उसके एक पल के बाद एक व्यक्ति भगवान के पास आया, एक कोई आदमी भगवान के पास आया, उसने समक्ष नतमस्तक होकर उसने कहा, मुझे देवकी ने भेजा है। और रोते हुए उसने निम्नलिखित शब्द कहे, एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे देवकी माँ ने भेजा, और वो रोके उसने बोला, उस व्यक्ति ने कहा, हे कृष्ण हे माँ भाऊ हे अपने माता पिता के प्रिय, शाल तुम्हारे पिता को बांधकर उसी तरह ले गया है जिस तरह कसाई किसी पशु का वध करने के लिए ले जाता है। शाल गायब हो गया और वहां से उसने भगवान के पिता को किडनैप कर लिया पीछे से मैजिक से। मतलब इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। जब उन्होंने यह शुभकारी समाचार सुना तो अब पॉइंट आता है, वे मनुष्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने खेद तथा करुण व्यक्ति की ओर अपने माता पिता के प्रति प्रेमवश उन्होंने सामान्य बदजीव जैसे शब्द कहे। सो भगवान कृष्ण अब दुखी हो रहे हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। सामान्य आदमी की तरह भगवान कृष्ण ने कहा, बलराम सदैव सतर्क रहने वाले हैं और कोई देवता असुर उन्हें पराजित नहीं कर सकता, तो यह शूद्र शाल किस तरह उन्हें पराजित करके मेरे पिता का अपहरण कर सकता है, निसंदेह भाग्य सर्वशक्तिमान है। मतलब भगवान कृष्ण ने बलराम जी को दिया था, क्या कहते हैं, ये जिम्मेवारी दी थी कि उनके माता पिता की रक्षा करते रहें, और जो रानियां थी, मगर उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो गया। एक्चुअली भगवान रोने लगे जब गोविंद ने शब्द कह चुके थे, तो भगवान के समक्ष वसुदेव जैसे दिखने वाले किसी एक पुरुष को लेकर शाल पुनः प्रकट हुआ। तो शाल ने इस प्रकार कहा, पॉइंट एक्चुअली श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो है ही, फिर भी दुखी हो गए, रोने लगे कि अब मेरे पिताजी किडनैप हो गए, क्या होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, और ऐसा क्यों होता है, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई बताएगा, भगवान तो सर्वअंतर्यामी है, उनको तो पता ही है सब कुछ, फिर भी भगवान इस तरह से रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, कोई बता सकता है। हाँ, तो उससे क्या हुआ, है तो भगवान को थोड़े ना हो सकता है, मनुष्य नहीं है वो, मनुष्य शरीर है, मनुष्य नहीं है, तो शरीर से क्या हुआ, मनुष्य नहीं है वो, अंदर से तो नहीं है मनुष्य, समझ आ रहे, नहीं आ रहे, अंदर से मनुष्य नहीं है वो, भगवान ही है, लग रहा है मनुष्य शरीर है बस। ये भी हो सकता है, हो सकता है, बट कमेंट्री कुछ और कह रही है, हो भी सकता है, मैंने एग्जैक्टली हो सकता है कमेंट्री में हो, क्यों कर रहे हैं भगवान। वेल, एक कारण तो सबसे बड़ा है कि भगवान कृष्ण कभी भी जैसे ऐसे मनुष्य की तरह बिहेव करते हैं, रामलीला में भी राम भगवान ने किया, रो रहे थे जब सीता किडनैप हो गई थी, वो सब उसका मेन कारण है असुरों को विमोहित करने के लिए, असुरों को कंफ्यूज करने के लिए कि ऑर्डिनरी आदमी है, क्योंकि अगर वो कन्विंस नहीं होगा कि ऑर्डिनरी आदमी, तो लड़ेंगे नहीं, कि फाइट कैसे होगी, अगर उनको ये पता लग गया है भगवान है, कन्विंस ही हो गए, तो फिर तो वो भाग ही जाएंगे, फिर तो कोई लीला ही नहीं होने वाली, फिर उनको मारेंगे भी कैसे, क्योंकि लड़ने ही नहीं आएंगे वो। संसार के लोग भी बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं, जो संसार के भी असुर हैं वो भी कंफ्यूज जाएंगे, उन्हें लगेगा ये तो साधारण मनुष्य थे कृष्णा, देखो ऐसे मोहित हो गए। और कहते ही हैं लोग, मतलब कहते ही हैं कि आपके पंजाब हरियाणा भी फेमस है कि किस राम उस मतलब उस दशरथ नंदन राम की पूजा मत करो, घट घट में वासी राम की पूजा करो, सुना है ना, सुना है, हरियाणा में बहुत फेमस है। हाँ, तो क्योंकि दशरथ पुत्र, क्योंकि दशरथ नंदन राम तो दुखी भी हो रहे थे सीता के लिए,
और देयर सो मेनी थिंग्स. सो राम भगवान ने लीलाएं की असुरों को विमोहित करने के लिए. जब जब ऐसा किया है उनका एक ही लक्ष्य था कि लोग कंफ्यूज हो जाएं. जो असुर लोग हैं, जो भक्त नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएं. और कंफ्यूज होके फिर अपराध करके खुद ही मर जाएंगे वो. दैट्स ऑल. उनको मारने की भी जरूरत नहीं है, नर्क चले जाएंगे खुद ही ये सोच के कि भगवान नहीं है, ये तो ऐसे हैं वो हैं. सो भगवान ने लीलाओं से बिना मारे उनको मार दिया. भगवान का प्रण क्या है? विनाशाय च. भगवान अभी भी मार रहे हैं लोगों को, अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे वो, अभी भी मार रहे हैं. लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान सबको मार क्यों नहीं देते, अभी भी मार रहे हैं. क्योंकि जो लोग सोच रहे हैं कृष्ण भगवान नहीं है, वो सब नरक चले जाएंगे मरने के बाद, बस. दैट्स ऑल, अपने अपराध के कारण. सो ये सब भगवान क्या प्लानिंग करते हैं हम सोच नहीं सकते छोटी बुद्धि से. बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही होती है, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट कृष्णा इज डूइंग लाइक दैट. तो इसलिए भगवान ने ऐसा किया. शाल ने कहा, तो शाल वहां पे अपने मैजिक से वसुदेव को लेके आ गया. एक ऐसी मैजिक का बनाया हुआ वसुदेव. शाल ने कहा, यह रहा तुम्हारे जन्म देने वाला तुम्हारा पिता, जिसके लिए तुम इस जगत में जीवित हो. अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने इसका वध करूंगा. जैसे किसने किया था? रावण नहीं, इंद्रजीत. इंद्रजीत ने सीता को लेके सीता को सामने गला काट के और ले गया, बस. इंद्रजीत था. अरे मूर्ख, यदि तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो. इसने भी वही मैजिक सीख लिया होगा. इस प्रकार भगवान की हंसी उड़ाकर जादूगर शाल अपनी तलवार से वसुदेव के सिर को काटता हुआ प्रतीत हुआ. वो काट दिया. वह उस सिर को अपने साथ लेकर आकाश में मंडरा रहे शाल यान में घुस गया और लेके उसने दिखाया, देखो काट दिया तुम्हारा पिता है, मार दिया इसको और चला गया लेकर. भगवान कृष्ण स्वभाव से ज्ञान से पूर्ण है और उनमें असीम अनुभूति की शक्ति है, तो भी प्रियजनों के प्रति महान स्नेहवश एक क्षण के लिए वह सामान्य प्रामिणी की मुद्रा में लीन हो गए. नाउ दैट्स वन थिंग जो आप कह रहे थे स्नेह. भगवान भी प्रेम के कारण ये भूल गए कि वो भगवान है, अपने भक्तों से प्रेम के कारण. नाउ अ पॉइंट ये है कि प्रेम ऐसी वस्तु है कि प्रेम भगवान को भी वश में कर लेती है. सबसे शक्तिशाली शक्ति है संसार में प्रेम. शक्ति भी प्रेम के सामने शक्तिहीन है. सो भगवान वृंदावन में ऐसी होता है. वृंदावन अपने भक्तों के भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश ये भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और भक्त भी भूल जाते हैं प्रेम वश कि ये भगवान है. बस एक ही चीज उनके उनके हृदय में, उनके दिमाग में होती है. भगवान के दृष्टि में केवल एक ही चीज होती है कि मैं अपने भक्तों को आनंद कैसे दूं. अब भक्तों के मन में बस एक ही विचार है, मैं भगवान को कैसे आनंद, कृष्ण को कैसे आनंद दूं. वो दोनों ही भूल जाते हैं कि वो भगवान है. भगवान की मधुरता भक्तों को भुला देती है कि वो भगवान है, और भक्तों की भक्ति भगवान को भुला देती कि वो भगवान है. नाउ दैट्स हाउ इट गोस. सो भूल गए वो. सो अल्टीमेटली फाइट हो रही है, बट सुखदेव गोस्वामी इस फाइट के सीन में भी प्रेम को ही प्रकट कर रहे हैं. यू सी, सुखदेव गोस्वामी का फोकस फाइट नहीं है. सुखदेव गोस्वामी ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि पिक्चर में प्रेम को फोकस कर रहे हैं. ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो कि एक्शन फोकस कर रहे हैं. पिक्चर में कुछ भी फोकस कर सकते हो, या तो प्रेम को कर सकते हो, एक्शन को कर सकते हो. सो प्रेम प्रकट कर रहे हैं भगवान का. तो भगवान का इतना स्ट्रांग प्रेम है अपने भक्तों से कि उस प्रेम वश यही भूल गए कि वो भगवान है. कितना ज्यादा प्रेम होना चाहिए किसी से कि वो प्रेम चढ़ जाए दिमाग पे और आप भूल ही जाओ. दैट्स हाउ इट गोस. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लीला में. लेकिन उन्हें तुरंत स्मरण हो आया कि यह तो मैं दानव द्वारा सृजित असुरी माया है जिसे शाल्फ काम कर रहा है. मगर उन्हें इमीडिएटली, ऑफकोर्स भगवान प्रेमवश भूल गए एक क्षण के लिए कि वो भगवान है, बट भगवान की शक्तियां ने उनको दोबारा स्मरण करा दिया कि वो भगवान है. क्योंकि अभी जरूरी था, अभी युद्ध हो रहा है नहीं. वृंदावन में कोई जरूरी नहीं है. वृंदावन में तो भगवान को आनंद मिल रहा है, तो याद कराने की कोई जरूरत है ही नहीं. सो भगवान की शक्तियां भगवान को असिस्ट करती हैं. उनको इमीजिएटली याद आ गया कि ये तो माया है, तो उनका सारा दुख नष्ट हो गया.
न तत्र दूतम न पितु कलेवरम। अब असली परिस्थिति के प्रति सतेष्ठ भगवान कृष्ण ने अपने समक्ष युद्ध भूमि में न तो दूत को देखा न अपने पिता के शरीर को। ऐसा लग रहा था मानो वह स्वप्न में से जागे हों। तब अपने शत्रु को अपने ऊपर यान में उड़ता देखकर भगवान ने उसे मार डालने की ठानी। अब भगवान ने संकल्प ले लिया कि बहुत हो गया। एक्चुअली कंस के साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब कंस ने सोचा था कि वो भगवान के पिता को मारेगा, है नहीं, भागवतम पढ़वा, वसुदेव देवकी को मार देगा, तब भगवान गुस्सा आया था। तब भगवान ने कहा अब तो फाइनल इसको मार दूंगा। और जैसे ही उसने सोचा कि उसने एक्चुअली ऑर्डर दे दिया था कि इनके कि भगवान के पिता माता को पकड़ लो, तब भगवान ने कहा मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान गए, सीधा पकड़ा उसको, नीचे पकड़ के धकेला और नीचे गिरा के मार दिया सीधा। यहां पे भी जब भगवान के पिता के ऊपर बात आई तो भगवान को बहुत गुस्सा आया और भगवान ने फिर ठान ली कि मैं इसको मार डालूंगा। जब तक वो भगवान पे अटैक कर रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब वो भगवान के भक्तों पे अटैक करने लगा तब भगवान ने संकल्प लिया कि मैं इसको मार दूंगा। दैट्स हाउ कृष्ण भगवान इस तरह एक महान व्यक्ति यही होता है। जब अपने पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो किसी की हानि नहीं करता, मगर जब दूसरे पे आती है तब एक्शन लेना पड़ता है। सो भगवान ने धर्म का भी पालन किया। हे राजऋषि, यह विवरण कुछ ऋषियों द्वारा दिया गया हुआ है, किंतु जो इस तरह अतार्किक ढंग से बोलते हैं वे अपने ही पूर्ववर्ती कथनों को भुलाकर अपनी बातें काटते हैं। मतलब कई लोग बोलते हैं देखो भगवान डर गए, दुखी हो गए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं वो असली में दुखी नहीं हुए और डरे भी नहीं थे, वो तो कुछ और चल रहा था, वो तो प्रेम की शक्ति थी जो ऐसा हुआ था। कह रहे हैं भला शोक मोह स्नेह या भय जो कि अज्ञान जनित है किस तरह से अनंत भगवान को प्रभावित कर सकते हैं, जिनकी अनुभूति ज्ञान तथा शक्ति सारे के सारे भगवान की तरह ही अनंत है। देख रहे तो शोक मोह स्नेह भगवान को छू भी नहीं सकते जो अज्ञान से प्रकट होते हैं। भगवान भूले स्नेह की वजह से नहीं थे, शोक की वजह से नहीं, भगवान भूले थे प्रेम की शक्ति से, जो आध्यात्मिक प्रेम है उसकी वजह से। सो फर्क है, मगर जब संसारी काम वासना से स्नेह की वजह से हम भूल जाते हैं कुछ चीजें तो उसमें फर्क होता है, जब प्रेम की शक्ति से हम भूलते हैं तो उसमें फर्क होता है। तो संसारी मोह से और स्नेह से तो हम यही भूल जाते हैं कि हम भगवान को ही भूल जाते हैं, मगर आध्यात्मिक प्रेम से हम भगवान को नहीं भूलते, मगर ये भूल जाते हैं कि कृष्णा भगवान है। उन दोनों में फर्क है, मगर यह माया से तो हम यही भूल जाते हैं भगवान है भी यही भूल जाते हैं, सेवा करना ही छोड़ देते हैं। भगवान को भी भूल गए, सेवा को भी भूल गए, मगर आध्यात्मिक प्रेम के जब वश में आ जाएंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि वो भगवान है, मगर सेवा नहीं भूलेंगे, सेवा करते रहेंगे। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस देयर। और फिर आप जाके पढ़ लेना ये, भगवान ने शिशुपाल को मार दिया और भगवान हरि ने अपने चक्र का इस्तेमाल करते हुए उस महान जादूगर के सिर को कुंडलों तथा किरीट सहित बिलक कर दिया। जिस तरह पुरंदर ने वृत्रासुर के सिर काटने के लिए अपने व्रज का इस्तेमाल किया था, यह देखकर शाल्फ के सारे अनुयायी हाय हाय कहकर चिल्ला पड़े। अब पापी शाल्फ के मृत हो जाने तथा उसके यान को विनष्ट हो जाने से देवताओं द्वारा बजाई गई धुंधुबियां आकाश में गूंज उठी। तब अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने की इच्छा से दंतवक्र ने बहुत कुपित होकर भगवान पर आक्रमण किया। दंतवक्र भी आ गया फिर अटैक करने। अब आप पढ़ लेना कि दंतवक्र ने कैसे अटैक किया। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है, स्टॉप है, जाके पढ़ना आप लोग। क्या कह रहे हैं? शिप केल देख रहे थे। हाँ, प्रभुपाद निराश तो हो रहे थे, लिखा भी है। प्रभुपाद भगवान तो है नहीं, आप सेम रूल तो प्रभुपाद पे अप्लाई नहीं कर सकते, प्रभुपाद भी जीव आत्मा है। सो प्रभुपाद ने बोला था कि एक्चुअली प्रभुपाद निराश हो रहे थे, बट साथ साथ प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण ने मेरी हिम्मत बनाए रखी। ऐसे भी है, कई बार प्रभुपाद ने बोला है ये। प्रभुपाद ने भी बोला है कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि जो इस्कॉन मोमेंट है वो मैचलेस गिफ्ट दुकान से बाहर भी निकलेगा। प्रभुपाद ने कहा हो सकता, प्रभुपाद सोच रहे थे कि एक न्यूयॉर्क में जो
स्टोर फ्रंट है, उसमें मंदिर खोला है, कुछ लोग जुड़ेंगे, भक्त बनेंगे, बाद में मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतना बड़ा पूरे संसार में फैल जाएगा। सो प्रभुपाद कोई भगवान तो है नहीं, अंतर्यामी तो है नहीं। सो ही वॉज डिसअपॉइंटेड इन दैट वे। तो प्रभुपाद ये इतना बड़ा कार्य कर सके, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? जैसे बताया गया ना कि जब तक तो लड़ते रहे भगवान सारों से, जब तक उनके प्राण हो रहा है, लेकिन जैसे ही वसुदेव पे और तो यहाँ पे कैसे रिलेट हो रहा है? क्योंकि प्रभुपाद इसका तो कोई लिंक, प्रभुपाद भगवान के ही चलो ऐसे आप जोड़ सकते हो, मगर मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं है, कोई लिंक नहीं हुआ अभी, कोई लिंक हुआ नहीं इसका। जैसे ही लिंक हो गया, डजंट मेक एनी सेंस नाउ। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? आई विल स्टॉप हियर, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, एटलीस्ट टू मी। आपके लिए नहीं था, मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए था, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप सोच सकते हो आज इसके बारे में, शाल का बात है। सो भागवतम इसलिए इंटरेस्टिंग है, भागवतम आप पढ़ो, आप उसमें कहानियां मत ढूंढो, उसमें प्रेम ढूंढो। भागवतम इसलिए है, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी की जीनियस है कि उन्होंने हर लीला से प्रेम निकाल के दिखा दिया हमें। ये सुखदेव गोस्वामी की जीनियस है। तो अगर आप भागवतम पढ़ोगे ऐसी कुछ लोगों के लिए और कहानियों के लिए, तो आप मतलब आप मतलब ऑथर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ऑथर ने किसी और एंगल से बोला है। मतलब ये शाल की कहानी तो हरिवंश पुराण में भी है और भी पुराणों में है, मगर इसमें क्या विशेषता है? इसमें ये विशेषता है कि और किसी भी कथा में, जिस भी पुराण में, उसमें बताया नहीं गया कि भगवान को भी टेंशन हुई थी और भगवान को भी दुख हुआ था। ये पॉइंट लेके नहीं आए हैं वो, कोई भी व्यासदेव हरिवंश पुराण में लेके नहीं आए, क्योंकि इस पॉइंट को समझने के लिए आपको भागवतम समझनी पड़ेगी। ये भगवान ऐसा क्यों हुआ है? अब एक बात है असुरों को विमोहित करने के लिए, बट दूसरी बात जो अंतरंग बात थी कि प्रेम को प्रकट करने के लिए, प्रेम की शक्ति को प्रकट करने के लिए, दैट वाज अ होल पॉइंट। तो इसलिए अगर हम भागवतम पढ़ें, तो अगर हम उसको सही स्पिरिट से पढ़ेंगे तब फायदा होगा। अगर आप सिर्फ इधर उधर के पॉइंट में घुस जाओगे और श्लोकों में घुस जाओगे, स्टोरीज में घुस जाओगे, तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। भागवतम की स्पिरिट समझो, पॉइंट से मत घुसो। मतलब अभी एक तो अभी एक कोर्स चल रहा है, एक मिनट बोलना जरा कुछ बोलो, एक सेकंड अगर एक सेकंड। तो मायापुर में पहले कोर्स चला था ओवरव्यू ऑफ भागवतम, उन्होंने चलाया था ओवरव्यू। अब एक कोर्स चल रहा है अंडरव्यू ऑफ भागवतम, मतलब डिटेल्स में, बट द होल पॉइंट इज अंडर व्यू हो या ओवर व्यू हो, अगर स्पिरिट कैच नहीं करोगे तो बेकार है, बेकार है। इसलिए मैंने देखा है कई बहुत लोग होते हैं, उनको पूरी भागवतम रटी होती है, सारे श्लोक होते हैं, सारा सिस्टमैटिक आता है, बट स्पिरिट अंडर जीरो। इनफैक्ट मुझे नहीं आती भागवतम, बाय द वे मुझे श्लोक याद नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मुझे है, मुझे नहीं है, मुझे बहुत कम श्लोक आते हैं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे सीक्वेंस में पढ़ी नहीं, बट मैंने इसकी स्पिरिट कैच करने की कोशिश की, एग्जैक्टली भागवतम में प्रेम ढूंढने की कोशिश की। क्योंकि अगर आप प्रेम ढूंढोगे तो सुखदेव गोस्वामी का आदर होगा, क्योंकि वो वही कर रहे हैं। वो सुखदेव गोस्वामी एज अ ऑथर अपनी भागवतम के द्वारा यही चाहते हैं कि हम प्रेम को समझ लें। इसलिए ट्वेल्थ कैंटो पढ़ो, ट्वेल्थ कैंटो में सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं कि मैंने इतनी सारी कथाएं बताई हैं, कथाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सुखदेव गोस्वामी खुद ही कह रहे हैं कथाएं आपको याद रहे नहीं रहे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कथाओं से वैराग्य सीखो। ये सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, मैंने अपनी जितनी भी कथाएं बताई है एक ही लक्ष्य करके बताई है कि आप में वैराग्य आ जाए। और वैराग्य दो तरीके का होता है, एक होता है मतलब वैराग्य का कि संसार से निराशक्ति, और दूसरा मतलब होता है वैराग्य का भगवान से प्रेम, क्योंकि भगवान से प्रेम हुए बिना संसार से निराशक्ति
हो ही नहीं सकती। सो वैराग्य, वैराग्य होता है एक जहां पे राग नहीं है, वी प्लस राग। दूसरा मतलब है जहां पे विशेष राग है, विशेष राग वैराग्य। सो दैट्स द होल पॉइंट, मूड और स्पिरिट कैच करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप पूरे जीवन पढ़ते रहोगे कुछ नहीं होगा। आप पूरे जीवन हरे कृष्ण भी चैंटिंग करते रहोगे कुछ नहीं होगा, अगर आप सही स्पिरिट से चैंटिंग नहीं कर रहे, सही भावना से चैंटिंग नहीं कर रहे। अगर आपको पता नहीं कि क्या चैंटिंग से हमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, तो फिर कभी भी कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू चैंट, अदरवाइज महाप्रभु तो कह रहे हैं बहु जन्मा जदि करे श्रवण कीर्तन तब वो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। आप चलाते रहो, गला फाड़ते रहो, नहीं होगा। सो कीर्तन करो मगर सही स्पिरिट से करो, सही भाव से। आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, आपको पता होना चाहिए हम कीर्तन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम को समझने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। हम भागवतम पढ़ रहे हैं कृष्ण प्रेम को समझने के लिए, कीर्तन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। वो फोकस नहीं हटना चाहिए, अदरवाइज अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर से भागवतम क्लास में बैठना पड़ेगा, फिर से नींद रोकनी पड़ेगी। करना तो देखो पड़ेगा ही आपको, कितने टाइम आप करोगे, जब तक समझोगे तो जा नहीं रहे। किसी तरह तो करना ही पड़ेगा, और खुद ही करना पड़ेगा, हम तो कर नहीं सकते आपके लिए, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उत्साह और डायरेक्शन दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, करना आपको खुद है। सो टेक केयर, मतलब भागवतम को इस तरह पढ़ो और प्रेम ढूंढो इसमें, बस प्रेम ढूंढो, कहीं भी चक्कर में मत पड़ो, इसमें मत पड़ो कि आपने इसको कितना याद है कितना याद नहीं है, वो काम नहीं आएगा। क्योंकि भज गोविंदम, भज गोविंदम मोड़ मते संप्राप्ते सन्निति काले नहीं नहीं दुकरिन करने, मृत्यु के समय जो भी आपने रटा होगा सब भूल जाओगे, एक ही चीज काम आएगी, गोविंद का नाम। अब वो भी गोविंद का नाम सही भाव से लोगे तो काम आएगा, आपने ऐसी गोविंद बोल दिया तो कुछ नहीं होगा। अगर सही भाव नहीं होगा, आप गोविंद बोलोगे बेहोश हो जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। बेहोश होने के बाद कहां याद रहेगा आपको, लोगों को दिखाई देगा इसने बोल दिया मरते समय गोविंद, हमने बोल दिया, बट उसके बाद क्या हो रहा है हमें नहीं पता। हाँ किसको क्या पता। ऐसे ऐसे आप सोते वक्त आप बोल दो हरे कृष्ण, कोई डिवोटी कहेगा यार हरे कृष्ण बोलते बोलते सोता है, सपने में क्या हो रहा है वो बात है, सपने में हरे कृष्ण नहीं चल रहा। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो भक्त है, मतलब अब बहुत एडवांस भक्त है, क्योंकि हरे कृष्ण करते करते रोज उसको नींद आ जाती है, तो सपना स्कैनिंग करनी पड़ेगी सपने में क्या चल रहा है, और सपने में कुछ और ही होता है। तो मृत्यु के समय भी ऐसे होगा, अगर अगर आपकी स्पिरिट नहीं होगी सही तो हरे कृष्णा तो हो सकता है निकल जाए, मगर जब आप बेहोश हो, इमीडिएटली मरते तो है नहीं, पहले बेहोश होते हैं, मतलब एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए आप मरोगे नहीं, हाँ 30 सेकेंड के लिए मरोगे नहीं आप। जब सांस रुक के बेहोश हो गए तो 30 सेकंड तक आत्मा छोड़ती नहीं शरीर को, 30 सेकंड तक आपका माइंड चलेगा अंदर, और वो जो सोचेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो तो वही सोचेगा जहां पे आपकी आसक्ति होगी। अगर हरे कृष्णा से आसक्ति होगी तो हरे कृष्णा के बारे में सोचेगा, संसार से आसक्ति होगी तो संसार के बारे में सोचेगा। अभी भी ऐसी होता है, पूरे दिन तो हरे कृष्णा जपते रहते हैं, सपना क्या आता है आपको, क्या आता है रात को, कृष्णा आते हैं, कुछ और ही चल रहा होता है। तो जो सपने में चल रहा है वही आप हो, वही हो आप, बस ये ऐसे होता है। जो मुंह में चल रहा है वहां नहीं हो आप। वहां नहीं हो, सपने में चल रहा है वो आप हो, वहां आपकी आत्मा है, वहां आसक्ति है, उससे आप देख सकते हो आपकी आसक्तियां कहां है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे सपने बहुत ग्रेट होते हैं सबके। अभी तो मेस्ड अप ही है। सो दैट्स वेरी रिस्की। सो इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो, स्पिरिट पकड़ो, मूड समझो, मूड समझ लिया स्पिरिट पकड़ लिया तो आगे बढ़ जाओगे, अदरवाइज भागवतम पढ़ना भी वेस्ट हो जाएगा। आप पढ़ते रहोगे, रटते रहोगे, कुछ ना कुछ करते रहोगे,
श्लोक अगर आते हैं तो बहुत अच्छा है, मगर उसके चक्कर में मूड और स्पिरिट नहीं भूलनी चाहिए। दैट्स अ होल आइडिया। वो तो बहुत ही अच्छा है, अगर मतलब श्लोक तो आने ही चाहिए। प्रभुपाद ने बोला श्लोक आने चाहिए, कुछ तो आना चाहिए। हाँ भाई, हमें हमारे पास स्पिरिट भी नहीं है, मूड भी नहीं है, श्लोक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कर क्या रहे हो फिर? चलो कुछ नहीं है तो कुछ तो अच्छा है। श्लोक आते आते धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, बट या यू हैव टू टेक केयर। सो इसलिए मैंने कथा पढ़ी थी आज, क्योंकि जनरली आप ये पढ़ोगे शाल कथा तो आप हॉलीवुड मूवी में खो जाओगे। अरे लड़ाई हो रही है, बान हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर एक्चुअली वो सब क्यों हो रहा है वो पता होना चाहिए। उसका पर्पस है ये पॉइंट बताने के लिए, बस दैट्स ऑल। ऐसे पूरी महाभारत का पर्पस है गीता सुनाने के लिए, महाभारत का कोई पर्पस नहीं है। भागवत में तो ये कह रही है, महाभारत में इतने सारे युद्ध हुए, इतना सब कुछ हुआ, आपने सारे युद्ध पढ़ा, सब कुछ पढ़ा और गीता नहीं पढ़ी, तो बिल्कुल यूजलेस हो गया, बेकार हो गया, है नहीं? मतलब आपने पूरी मूवी देख ली और आपने पूरी मूवी देख ली और मूवी का प्लॉट ही नहीं समझ पाए। प्लॉट प्लॉट समझते हैं आप लोग? प्लॉट प्लॉट क्या, प्लॉट कैसे कहेंगे? रहस्य नहीं, प्लॉट नहीं, प्लॉट क्या है, मुझे पता नहीं लग रहा। प्लॉट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मूवी का प्लॉट प्लॉट नहीं आता, प्लॉट नहीं बता कैसे कहेंगे। आपने पूरी मूवी देख ली, आपको पता ही नहीं कि मूवी में चल क्या रहा है, ये कह लो बस। भाई पूरी मूवी देख ली, बहुत अच्छी थी, मूवी में चल क्या रहा है पता नहीं लगा कुछ भी, समझ ही नहीं आई मूवी, मगर अच्छी लगी थी, तो फिर पॉइंट ही क्या है? हमें पूरी भागवतम पढ़ ली और आपको यही समझ नहीं आया कि प्रेम सिखाने के लिए बोला जा रहा है जो भी बोला जा रहा है, तो फिर तो आपका पढ़ना बेकार हो गया, है नहीं? समझ रहे हैं, समझ रहे हो? सो या ट्राई टू सर्च लव ऑफ गॉड, फोकस वहीं रखो। गीता पढ़ो, उसमें भी प्रेम ढूंढने की कोशिश करो, है वहां, अगर ढूंढोगे तो मिलेगा। ये प्रभुपाद कमेंट्री ऐसी लिख रहे हैं, अगर ध्यान से दोगे। बाकी सब तो क्या है, बाकी सब तो प्रेम तक पहुंचने के लिए। अगर आप गीता पढ़ के उसी में खो गए, गीता में आप खो गए इधर उधर के पॉइंट्स में, अगर आपने गीता से ये भी समझ लिया मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, और ये नहीं समझा प्रेम क्या है, तो फिर बेकार हो गया समझना। वो भी फिर तो ज्ञानी बन गए ना। तभी चैतन्य महाप्रभु ने बोला था गौरीदास पंडित को, गौरीदास पंडित जी के पास गीता थी, वो रोज पढ़ते थे, सिर्फ गीता पढ़ते थे। तो महाप्रभु एक बार आए, उन्होंने गीता ली और फेंक दी गंगा में। उन्होंने बोला क्या तुम चाटते रहते हो गीता? महाप्रभु ने बोला उसको समझने की कोशिश करो, उसको उतारने की कोशिश करो जीवन में, तब उसका फायदा है, अदरवाइज तो बेकार है। अदरवाइज तो ये किताब है, महाप्रभु ने भागवतम फाड़ दी थी एक बार, पता है किसकी फाड़ी थी? देवानंद पंडित की भागवतम फाड़ के फेंक दी थी। मतलब आप कह सकते हो कि ये तो बहुत ही क्या कहते हैं उसको, क्या कैसे कहते हैं, क्या पूज्य ग्रंथ है, देखो मैं उन्होंने कहा पूज्य ग्रंथ लेकर आओ, मैं फाड़ के फेंकता हूं। पूज्य ग्रंथ है, ठीक है, बट ये तो प्रिंटेड पेपर है ना, ये तो आप पेपर पे प्रिंट कर दो, पत्थर पे प्रिंट कर दो, दीवार पे प्रिंट कर दो, एक ही बात है। आप अहमदाबाद चलो जाओ, अहमदाबाद में मंदिर है तो वल्लभाचार्य जी का, बहुत फेमस। उस वो मंदिर फेमस इसलिए क्योंकि उसके सारी दीवारों पे पूरी भागवतम लिखी हुई है, देखा है कि नहीं? गए हो तो पूरे चारों दीवारों पे पूरी भागवतम लिखी है, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, उन्होंने चिन्हवाया हुआ है। सो क्या दीवारें पूजनी है? बट एट द सेम टाइम अगर आप उसको समझ नहीं रहे तो आपके लिए बेकार है। सो ठीक है, अगर ग्रंथ पे भागवतम ग्रंथ पूजने बन जाएगी, दीवारों पर लग दो दीवारें पूजने बन जाएंगी, है नहीं? टेबल पे लिख दो टेबल पूजने लग जाएंगी, तो अगर अपनी आत्मा पे लिख दो तो आत्मा पूजने बन जाएगी। भाई ये मैसेज है, मैसेज ये है कि ये पूजनी है क्योंकि इस पे प्रिंट है भागवतम, तो अगर अपनी आत्मा पे लिखोगे तो आत्मा पूजनी बन जाएगी, इसलिए लिखना वहां है। यही ना, यही पूजनी ना बनती रहे, मतलब पूरा सारे ग्रंथ हो गया तो यही कहानी है और क्या है। सो या डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओवर व्यू अंडर व्यू तो चलता रहेगा, बट स्पिरिट और मूड का है, दैट्स द होल थिंग।
और वो लोग अप्रिशिएट भी करेंगे, आप खुद समझोगे तो अप्रिशिएट भी करेंगे, और उसी से लोगों की हेल्प होगी, आप देखना। और अगर आप दोनों कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, स्पिरिट भी है, श्लोक भी है, सब कुछ है, तो वो तो खैर सोने पे सुहागा है। दैट्स अ गुड थिंग। सो इसलिए मैंने एक कथा पढ़ी थी आज, ये पॉइंट बताने के लिए आपको, दैट्स अ होल पॉइंट देयर। सो आपको याद है शाल्व का नाम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूल गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके सैनिक, उसका कौन था सेनापति, क्या नाम था, दुमान, अगर वो भूल गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अभी भूल गए कि उसके प्लेन का नाम क्या था, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि जब उसने अटैक किया भगवान पे, भगवान के पिता को मारा, तो भगवान थोड़े क्षण के लिए भूल गए कि वो भगवान है। दैट्स द मेन पॉइंट, वो क्लाइमैक्स है। अब वो क्यों हुआ उसको समझने की कोशिश करनी है हमें, दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो ठीक है, उसमें क्या है। कई बार प्रभुपाद भी बहुत कंफ्यूज हो जाते थे लेक्चर में, प्रभुपाद उल्टा फुल्टा बोल देते थे, मिक्स कर देते थे पूरी इंफॉर्मेशन, आप देख लो। प्रभुपाद ने एक बार लेक्चर में बोला था कि राम भगवान की दो पत्नियां थी, दो थी, कितनी थी, और राम राम भगवान का कह रहा हूं मैं, सॉरी राम की नहीं, हाँ सॉरी आज इसका कंफ्यूज, दशरथ जी की दो पत्नियां थी, दशरथ जी की दो पत्नियां थी, कितनी थी, तीन थी, यानी प्रभुपाद बोले दो पत्नियां, प्रभुपाद कंफ्यूज हो गए। और कई बार प्रभुपाद ने ऐसे इंफॉर्मेशन गलत बोली है, कई बार श्लोक तो बिल्कुल ही कुछ और ही चल रहा है, श्लोकों में तो कुछ और का कुछ और ही चल रहा है। सो क्या मतलब, क्या है प्रभुपाद परफेक्ट नहीं है, नो दैट्स अ होल क्वेश्चन, बहुत गलतियां कर रहे हैं, कैमे भी आया था बता रहे, तो प्रभुपाद परफेक्ट, जो खुद इम्परफेक्ट है उनको वो इम्परफेक्ट नजर आएंगे, जो खुद केवल श्लोकों में पढ़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन पढ़े हैं, उनको नजर आया यार ये नहीं कर रहे, इम्परफेक्ट है, मगर जो स्पिरिट कैच कर रहे हैं उनको समझ आ जाएगा परफेक्ट है, क्योंकि प्रभुपाद की स्पिरिट परफेक्ट थी, मूड अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट थी। तो अगर आप वो देखोगे तो आपको परफेक्शन नजर आ जाएगी, बाकी आपको तो अगर आप पर आप उस पर फोकस कर रहे हो तो आपको वहां पे नजर आएगा, आप नहीं कर रहे तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। दैट्स द होल पॉइंट, प्रभुपाद कृष्ण प्रेम में परफेक्ट थे, ही वॉज लविंग कृष्ण एंड परफेक्ट, वो परफेक्शन की कसौटी है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो गलती होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने मतलब श्रीमद् भागवतम में भी प्रभुपाद ने कई बार गलत लिखा हुआ है, पर्पट्स में गलत लिखा है, एडिट करना पड़ा था उसको, इंफॉर्मेशन ही गलत है। श्रील प्रभुपाद ने कई बार मतलब श्रील प्रभुपाद कई बार प्रभुपाद ने चार्ली चैपलिन मूवीज भी देखी हुई हैं, फिर क्या करोगे, कई बार लिमका भी पी हुई है, वो लेमनेड ना प्रभुपाद ने पी हुई थी, उन्होंने चार प्लेन में जा रहे थे, प्रभुपाद को प्यास लग रही थी तो उन्होंने लेमनेड दे दी, कैन होता है लेमनेड, पता नहीं क्या नाम, एक्चुअली नाम भूल गया, लाइमन लेमन था उसका नाम, तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी है एक और लेके आओ, प्रभुपाद दो तीन पी गए, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जब मंदिर गए वहां का न्यू और कहीं गए थे, तो मंगल आती है प्रभुपाद ऊपर जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने डस्टबिन में देखा, पूरा डस्टबिन ही कैन से भरा हुआ था लाइमन लेमन के, प्रभुपाद ने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद क्योंकि आपने पी दी तो सबने पीना शुरू कर दी, आपने प्रभुपाद ने कहा बात से मुझे कभी मत देना लाइमन लेमन, मानने का बंद कराओ इमीडिएटली। सो अब ऐसे देखोगे तो भैया पूरी इम्परफेक्ट ही नजर आएंगे प्रभुपाद, पूरी अजीब सा हो जाएगा, मगर ऐसे नहीं देखते, यू हैव टू सी द स्पिरिट, और वो तब देख पाओगे जब आप में स्पिरिट है, जब आप उस पर फोकस कर रहे हो तब देख पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज होके आप या तो ऑफेंस कर डालोगे या कुछ ना कुछ सोच साच के आप गड़बड़ हो जाएगी। सो इफ यू आर डूइंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर आप खुद नहीं कर रहे तो बहुत डेंजरस पोजीशन में हो, बहुत ही डेंजरस पोजीशन में हो, क्योंकि आप एक ना एक पॉइंट पर कंफ्यूज हो गई होगे, और मुझे लगता है आई थिंक सुंदरानंद विद्या विनोद इसलिए कंफ्यूज हुए होंगे, मतलब जहां मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के डिसाइपल जो थे सुंदरानंद विद्या विनोद जो मेन डिसाइपल थे वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्होंने उनकी सारी किताबें उठा के फेंक दी गंगा में, ये तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है इसमें, तो
तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक तो कारण ये था, कंफ्यूज वो इसलिए होंगे क्योंकि शायद उनको अहंकार आ गया था कि मैं सबसे बड़ा डिसाइपल हूं और मतलब आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट माइट बी द केस. बट ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो भक्ति संत सरस्वती महाराज की स्पिरिट नहीं समझ पाए, वो और चीजों में थे. सो भक्ति सिद्धांता के साथ थे, उनके राइट हैंड, फिर भी वो नहीं समझ पाए. सो इसलिए साथ, दूर, पास, ऊपर, नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है आप कर क्या रहे हो, देन दैट विल बेनिफिट यू. सो या प्लीज ट्राई टू डू दैट, तब लाइफ सक्सेसफुल होगी. और अगर आप भूल जाओ करना तो शाल्फ की कथा याद कर लेना जो मैंने बताई है, तो उससे दोबारा स्पिरिट पे फोकस आ जाएगा. क्योंकि मैंने इसलिए कथा बताई थी क्योंकि इस कथा में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं इसलिए पॉइंट ही है, फाइट है, यू नो देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. और उस डिस्ट्रैक्शंस में होते हुए आपको प्रेम पे फोकस करना है. डिस्ट्रैक्शंस कैसे कहेंगे, हैं डिस्ट्रैक्शंस, क्या क्या है यार, क्या हिंदी को क्या हो गया, विभ्रांतियां नहीं, व्यवसाय में कपूत थिया. हाँ मतलब आपका, मतलब इस कथा में मन बहुत भटकेगा, और इस कथा में आपको, और इस कथा में एविडेंट भी नहीं है, इस कथा में ऐसा प्रेम प्रेम के बारे में चर्चा ही नहीं है. एक ही श्लोक में बस थोड़ा सा मेंशन है नहीं, मन दुखी हो गया, बस दैट्स ऑल. अदरवाइज इस कथा में आपको पता ही नहीं लगेगा प्रेम के बारे में चर्चा है. इसलिए मैंने ये कथा ली थी. और मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ता भी होगा इस्कॉन में, किसी ने पढ़ी होगी शाल्फी कथा, मुझे नहीं लगता कि मे भी कोई एक लेक्चर हुआ होगा 30-40 सालों में इस पे, मुझे नहीं लगता कि किसी ने हुआ होगा. आई डोंट थिंक सो, ना मैंने कभी सुना है किसी से सुना है कथा शाल्व, और कुछ पता ही नहीं किसी को भी. इसलिए मैंने चूज किया ये कि ये सब होते हुए भी अगर आपका फोकस प्रेम पे है तो भागवतम की स्पिरिट समझोगे, अदरवाइज तो खो जाओगे, भागवतम में खो जाओगे आप, कहानियां हो जाएंगी. सो गीता और भागवतम सीसी इस तरह पढ़ो, प्रेम को ढूंढो कहीं भी, भक्तों में प्रेम, भगवान में प्रेम, किताब में प्रेम, अपने हृदय में प्रेम, प्रसाद में प्रेम, प्रेम फोकस होना चाहिए. क्योंकि कृष्ण प्रेम पुमर्थो मान, यही तो है टारगेट, तो प्रेम ही है. कीर्तन करते समय प्रेम पे फोकस होना चाहिए. यस, यू हैव टू डू कीर्तन इन अ लविंग मैनर भगवान के लिए. केवल चिल्लाना चिल्लाना उससे कैसे होगा. सो या दैट, वो फोकस होना चाहिए. फिर उसके बाद आप अच्छा कीर्तन कर रहे हो तो वो एड ऑन है, वो और शोभा देता है. दैट्स अ होल आइडिया. सो इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज वेरी सॉरी, अगला जन्म हो जाएगा. And that's a problem there. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.